आज चिराग हर घर में है आज खुशी हर दिल में चरा मेरी शुक्र खुदा का हर दिल में है अहमदिया जिंदाबाद हदी जिंदाबाद करते, करते थे सदियों से, से, से जिसका वो मेहदी है आ चुका आए गाना, गाना और, और कोई अब आने वाला आ चुका अहमदी जिंदाबाद अहमदिया जिंदाबाद परचम हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे कांटे चाहे लाख बिछा दो कदम बढ़ाते जाएंगे अहमदिया जिंदाबाद

जी बिस्मिल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है इन्ना مبينا يَقِينًا حَمْنَا تُجِه خُلِي خُلِي لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ ताकि तुझे तेरी हर सबिका और हर आइंदा होने वाली लफ्जश बख्श दे और तुझ पर अपनी नेमत को कमाल तक पहुंचाए और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न रखे وينصرك الله نصرا عزيزا اور اللہ تیری وہ نصرت کرے جو عزت اور غلبے والی نصرت ہو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليز ازدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما वही है जिसने मोमिनों के दिनों में सकीनत उतारी ताकि वो अपने ईमान के साथ ईमान में मजीद बढ़े और आसमानों और जमीन के लश्कर अल्लाह ही की मिलकियत है और अल्लाह दायमी इल्म रखने वाला और बहुत हिकमत वाला है مينات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله

अब नशा ऊानरज़ीम बसमल रनिम सामीन करामक वरम वरक मुकरम नज़ीर आज का प्रोग्राम रेडियो एहमदिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है अनीस अहमद साहब के साथ कंट्रोल्स पे यह प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात छः बजे से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है इस प्रोग्राम का मकसद अपने सामयीन को इस्लाम और अहमदियत से मुतारफ़ करवाना और इसी तरह उन सवाल के जवाब देना जो आपके जहन में हों ये जो आप बात हमारी जमात से मुख्तु प्रोग्राम में तशरीफ़ ला कर देते हैं आज हमारे साथ हमारे मोहज़ साथी और मोज़ मेहरबान मोहतरम हादी अली चौधरी साहब तशरीफ़ ररमा है हादी साहब आज के प्रोग्राम में असल रबरकूम जजाक मोहरम हादी साहब महीने के पहले प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं यानी पहला इतवार जो होता है उसमें तशरीफ़ लाते हैं हमारे बाकायदगी से सुनने वाले सामिन के लिए किसी तार्फ़ के मोहताज नहीं इन्होंने बचपन में अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ़ की फिर जामिया एम्डिया पाकिस्तान से फारो तहसील होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ख़िदमात अंजाम देते रहे अब यह कैनेडा में हैं जहाँ पर यह बतौर नायब अमीर कैनेडा के ख़िदमात अंजाम देते हैं हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और सीरत आजरत सल्ला वसम के मख्तल पहलू आप सामने रखते हैं हमारे प्रोग्राम का तरीक़ा ऐसे होता है कि पहले हमारे मौजूद मेहमान आपके सामने अपने अफ्तही कलम रखते हैं उस दौरान हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उन कलमात को सुने कलमात के अख्तिताम पे हम अपने स्टूडियोज़ की लाइनें खोलते हैं इस दावत के साथ कि आप मौजू के हवाले से कोई अगर आपका सवाल आपके जेहन में होता है तो वो आप फोन कर, पूछ सकते हैं सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो उसका एक से ज़्यादा जरिया ई भी है और बरह रास्त भी है लेकिन इन शब सवाल के लिए खोलने का वक्त आएगा यानी लाइनें खोलने का उस वक्त वह आपके साथ में शेयर करूँगा अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसीज के हवाले से बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम बक वक्त टोरंटो और मॉन्ट्रियल के रेडियो स्टेशन से बर रास्त नशर होता है टोरंटो में ये 1350 फिफ्टी 1350 तेरह सौ एम पे सुना जा सकता है और मॉन्ट्रियल पे मॉन्ट्रियल में इसकी फ्रीक्वेंसी है 1610 यानी 1610 इसी तरह अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस प्रोग्राम की नशियात बरह रास्त नहीं पहुँच पाती या आप टेलीफोन पे सुनना चाहते हैं किसी को सुनाना चाहते हैं तो टोरंटो के इलाके में हमारा नंबर है सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो जबकि मॉन्ट्रियल के सामिन इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं फ़ाइव वन फोर सिक्स ज़ीरो नाइन वन सिक्स वन ज़ीरो पर डायल करके एक दो फिर फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो वालों के लिए है और इसी तरह अगर आप इंटरनेट पे सुन इसको सुनना चाहते हैं तो वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए हमारा वेब का पता है वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी आप ना सिर्फ ये प्रोग्राम बर रास्त बल्कि सबका प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी सुन सकते हैं तो इन गुजारिशात के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जी मोहतरम हादिस अब बिस्मिल्ला <laughs> बिसमिल्हन नहमद हून सली रसूल कर करीम् अल्हसिल महदिन वाल महद्न कम सलिल तब्राहीम वालब्राहीम इन्क हमीदुमीददाबारिका मोहम्मदी वाला महमदीन कम बारक तब्राहीम वालब्राहीम इन्क हमीदुमद रसूलुल्लाह रसूल सल्ला के औसाफ़े हमीदा और सीरत तैयबा के पहलू आपकी सारी ज़िंदगी पर वसी हैं हज़रत हज़र मसी मऊदलाम ने आपके इन औसाफ़े हमीदा को मद्दन रखते हुए फ़रमाया शान हक़ तेरे शुमाइल में नज़र आती है शान हक तेरे शुमाइल में नज़र आती है तेरे पाने से ही उस जात को पाया हमने कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाह ताला की सिफ़ात नजर आती हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर हम अल्लाह के करीब हुए अल्लाह पर हमें ईमान नसीब हुआ तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तयब का एक अनवान है कि आपके शुल में आपकी पाक सीरत में आपके उसाफ़ में अल्लाह ताला की शान नज़र आती है अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने कलाम में आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन उसाफ़ हमीदा और सफ़ात आलिया के हवाले दिए हैं उनमें से बाज़ जो कुरने मुख्तलिफ आयात कुरानिया से माखूज हैं उन मतलब के लिहाज से माखूज हैं या अल्फाज के लिहाज से वह आपकी खिदमत में पेश करूँगा यानी जब ताला आपके बारे में कुछ बयान फरमाता है तो वो बयान अपने वतन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सिफ्त आदत या ख़ूबी की दास्तान लिए होता है मसलन आपका फ़ेल गोया ख़ुदा ताला का फ़ेल था सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर अठारह में है आपकी बैत खुदा ताला की बैत थी व मा रमैता इज़रमैता ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल था तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह का गोया फ़ेल था कि अल्लाह ताला ने वो कंकरियों की मुठ् भर जो कंकरियाँ थी वो उन पर फेंकी तो आपका फ़ेल जो था खुदा ताल का फ़ेल था इसी तरह यदुल्ला फ़ोक का आदि हिम कि रसूल सल्लाम जब बैत लेते हुए हाथ ऊपर रखते थे दूसरे हाथों पर तो अल्लाह ताल फरमाता कि वो अल्लाह ताली का हाथ होता था सूरत अलफ़ की आयत नंबर 11 में ये दर्ज है आपकी अतात अल्लाह ताला की अतात थी सूरत अनसा की आयत नंबर इक्सी में है ये तो ये आयत बताती हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्जे खुदा ताला के रंग में रंगीन थे कि आपके आमाल अफ़ाल खुदा ताला की मर्ज़ी और रजा से हम आहंग होने की वजह से उसकी तरफ मंसूब होते थे गोया आपका फेल खुदा ताला का फेल था आपका कौल खुदा का कौल था फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपके क़रीब तर हुआ सूरत नजम की आयत दस है अल्लाह ताला आपके करीब हुआ सना फतः तो आप सरापा नूर थे सूरत नूर की आयत नंबर छत्तीस है सूरत लाजाब की आयत नंबर सन्तलीस में है कि आप सराज मुनीर थे और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर अस्सी में है कि आपके लिए मुकाम महमूद मुकद्दर था और सूरत अजाब की आयत नंबर इकतालीस है कि आप ख़ातमन नबीन थे और आए सूरत सूरतम की आयत नंबर छत्तीस में अल्लाह ताली फरमाता है कि आप अल्लाह के कुर्ब का वसीला थे और आप तमाम नबियों के सरदार और तमाम जहानों के लिए रहमत थे ये सूरत अम्बिया की आयत नंबर एक सौ आठ में है आप खुल के अजीम पर फायज़ थे सूरत कलम की आयत नंबर पाँच में है आप नरम दिल और नरम गुफ्तार थे सूरत अल इमरान की आयत नंबर 160 में भी है और सूरत काफ में 46 नंबर आयत में भी है आप रऊफ़ और रहीम थे सूरत तौबा की आयत नंबर 28 में यह दर्ज है फिर यह कि आप मखलूक ख़ ख़ुदा के लिए दर्दमंद थे सूरत अलकाफ़ की आयत नंबर सात अशर की आयत नंबर चार और सूरत फातर की आयत नंबर नौ में ये दर्ज है फिर सूरतमुनाफ़ी कून की आयत नंबर सात में लिखा है कि आप अफु का यानि दरगुजर करने का बेनज़ी नमूना थे और आपको बकसरत गैब अता हुआ था गैब का इल्मा हुआ था ये सूरत यूसफ़ की आयत नंबर एक सौ तीन में है आप हवा नफ़ से बात नहीं करते थे ये सूरत नजम की आयत नंबर चार और पाँच में है व मात को अनिल होवा आप अल्लाह ताली के मिसाली और कामिल अब्द थे सूरत अल जिन में भी है आयत नंबर बीस में और सूरत अल अलग की आयत नंबर ग्यारह में तो ये कुरान करीम में रसूल अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ़ हमीदा जो हैं वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला सिफ़ात हसना जो कुरान करीम में मजकूर हैं ये उनमें से मदूद चंद हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं इसी तरह अल्लाह ताला आपको रहमत लाल यानी तमाम जहानों के लिए रहमत करार देता है और फरमाता है कि आप उम्मत के शफ़ी मखलूक ख़ुदा के मुहाफ़ और मुनजी अम्बिया के मुद्द कुर्रा तोहीद की एक कौस है चुनाचे अगर मैराज के नक्शे को देखें तो आप तानब से अव्वल हैं और उसकी मखलूक़ की समत से आखिर हैं यानी ये जो तोहद का कुर्रा है काबा और अदना वाला जो है दो कोसें आपस में मिलती हैं तो एक गोल दायरा हो जाता है ऊपर वाला दायरा निसफ़ दायरा जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है और नीचे वाला दायरा मखलूक की तरफ से तो नीचे से ऊपर देखें तो आप आखिर हैं और अल्लाह ताला की जानब से देखें तो अव्वल है यानी ज़मीन अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन की तरफ़ आप अव्वल हैं तो आपकी सिफात में अव्वल आखर नाम भी आते हैं और ये नाम अल्लाह ताला की सिफात में भी है इन मस्कूरा बाला सिफात में आप इंसान को और अल्लाह ताला की दिगर मखलूक को एक तहफ़ फर, फराहम करने वाले साहिबान की तरह नज़र आते हैं दरक़ीक़त आपकी इन आला सिफात से मुजीन जात पर कुरान करीम की ये आय दलालत करती है व जालन समा साक़म महफूज़ा व जालना समा सख्फ महफूज़ा सूरत लम्बिया की आयत नंबर तैतीस है ये कि हमने आसमान को महफूज छत के तौर पर बनाया है इस अज़ीम आसमान यानि मोहम्मद सल्म की खूबी बयान करते हुए अल्लाह फरमाता है वसमा राफ़ा हा वज़ा अलमीज़ान सूरत रहमान की आयत नंबर आठ कि उसने आसमान को ऊँचा किया है और उसमें एक तोज़न कायम फ़रमाया है यानि यहाँ वसल्लम अपने शमाइल, अपनी सिफ़ात स्था, खूबियों और बुलंदियों के लिहाज से आसमान की रिफ़तों से भी बुलंद हैं और आपकी हर सिफ्त ऐसे कमाल तवाजुन से आरास्ता है कि जिसकी अजमत और बेनज़ीरी इंसान के हाथा तस्वुर से बाहर है इन शमाइल के हामिल जात की नज़ीर ना ज़ुमर अम्बिया में दिखाई देती है ना दीगर इंसानों में नज़र आती है और ना ही खुदा ताली की ऐसी बेनज़ीर सनत का शाहकार दीगर तमाम मखलूक़ में दस्तियाब है उस जात का जो जलवा गुजशत अम्बियाँ ने देखा उसको उन्होंने अपनी अपनी बसरत यारफान के मुताबिक बयान किया है चुनाचे हज़रत इब्राहिम की दुआएँ हज़रत इब्राहीम की दुआएँ और उनमें आप अल्लाह ताली की आयात पढ़ने वाले हैं हज़रत इब्राहिम की दुआओं में ये नज़र आता है कि आप अल्लाह ताला की आयत पढ़ने वाले हैं अल्लाह ताला की किताबुल्लाह की यानी अल्लाह की किताब की तालीम देने वाले हैं मम्म हिकमत हैं और मुज़क्की आलम के तौर पर जलवागार हैं ये सूरह बकरा की आयत नंबर एक सौ तीस में जो हज़रत सलाम की दुआ है उसमें ये सफ़ात आपकी बयानशुदा अलैहि सलातो असलाम के बयान के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम अल्लाह ताला का नाम लेकर करते थे जिस तरह हज़रत मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल के साहिब शरीयत और अज़ीम शान नबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल के साहिब शरीयत और साहिब आजमत शान नबी थे बल्कि इससे भी बढ़ कर ये कि आपका आना खुदा ताली का आना था हज़रत दाऊद सामने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली देखी तो फरमाया तू बनी आदम में सबसे हसीन है तेरे हाँ तेरे होंटों में लताफत भरी है इसलिए ख़ुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया है ज़बरदस्त तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत व शौकत से अपनी कमर से हमायल कर अपनी तलवार को जो तेरी हशमत व शौकत है अपनी कमर से हमायल कर और सच्चाई और हिल्म और सदाक़त की खातर अपनी शान और शौकत में एक बाल बंदी से सवार हो और तेरा दाहिना हाथ तुझे मुहिब काम दिखाएगा तेरे तीर तेज़ हैं वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं यानी अल्लाह ताला के दुश्मनों के उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं खुदा तेरा तख्त अबाद है तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है यानी सोंटा तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफ़रत इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया हज़रत सुलेमान सलमान ने अपनी कशफी आँख से आपका जलवा देखा तो आपकी मोहब्बत में सरशार हो गए और फरमाया मेरा महबूब सुर्ख व सफ़ेद है दस हज़ार में मुमताज़ है उसका सर खालिद सोना है उसकी जुल्फ़ें पेचदार पेच और कवे की सी काली हैं उसकी आँखें उन कबूतरों की मानद हैं जो दूध में नहाकर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों उनके रुखसार फूलों के चमन और बलसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं उनके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है उनके हाथ जबुरजत से मुसर्रा जबुरजत से मुसा सोने के हल्के हैं उनका पेट हाथी दांत के का, का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हुए हैं उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के स्तून हैं वो देखने में लबनान और ख़ूबी में रश के सर्फ है उसका मुंह अजबस शीरी है हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है एरूशलम की बेटियों ये है मेरा महबूब ये है मेरा प्यारा अल्लाह ने हज़रत अलैहिस्सलाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात की जलवा गिरी की तो आप यूँ गोया हुए कि मेरा बरगुज़ीदा जिससे मेरा दिल खुश है मैं मैंने अपनी रूस पर डाली वो कौमों में अदालत जारी करेगा वो रास्ती से अदालत करेगा वो मांद ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक कि अदालत को ज़मीन पर कायम ना कर ले जजीरें उसकी शरीयत का इंतज़ार करेंगे खुदाबंद खुदा यूँ फरमाता है खुदाबंद ने तुझे सदाकत से बुलाया मैं ही तेरा हाथ पकड़ूँगा और तेरी हिफाजत करूँगा लोगों के अहद और कौमों के नूर के लिए तुझे दूँगा कि तू अंधों की आँखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाने से छुड़ाएँ ऐसमंदर पर गुज़रने वालों और उसमें बसने वालों ए जजीरों और उनके बाशिंदो खुदावंद के लिए नए गीत गाओ जमीन पर सर तासर उसी की सताइश करो बियाबान और उसकी बस्तियां केदार के आबाद गांव अपनी आवाज़ बुलंद करें सिला के बसने वाले गेत गीत गाएं पहाड़ों की चोटियों पर से ललकारें वो खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करें और जजीरों में उसकी शनाखानी करें खुदाबंद बहादुर की मानद निकलेगा वो जंगी मर्द की मानद अपनी गैरत दिखाएगा वो नारा मारेगा हाँ वो ललकारेगा वो अपने दुश्मनों पर गाली आएगा इसी तरह हबक हबकूक नबी अलैहि वसल्लम के जलाल अनवार की आफ़ाकी तजलियात का इजहार करते हुए बयान फरमाते हैं खुदा तैमान से आया और कुदूस कोहे फ़ारान से उसका जलाल आसमान पर छा गया और ज़मीन उसकी हमद से मामूर हो गई उसकी जगमगाहट नूर की मानत थी उसके हाथ से किरने निकलती थी और इसमें उसकी कुदरत ने नेह थी और हज़रत ईसा आलातम ने आ हज़रत सल्ला वम को पाक का मालिक करार दिया यानी आपका आना खुदा ताल का आना करार दिया तो ये रसूल सल असलम के वाफ़ हमीदा आपकी पाक सीरत का ज़िक्र जो कुरान करीम में था और अम्बिया सबका ने आपका जो जिक्र किया वो आपके सामने पेश किया गया है इसमें आखिर में जो हजरत भक्ूक नबी सलाम की जो पेश है कि उसका जलाल आसमान पर छा गया और ज़मीन उसकी हमद से मामूर हो गई अलामत जो है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पर निशानदही करती है क्योंकि एक ही नबी है दुनिया में जिसका जिक्र हर वक्त पूरे कुर्रा अर्ज़ पर छाया रहता है और यहाँ जो हमद का लफ्ज़ है ये इसका मादा मोहम्मद का मादा मादा अहमद का मादा एक ही है तो इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो मोहम्मद है सबसे ज़्यादा सबसे वसत के साथ आपकी हमद होती है तारीफ़ होती है आपका ज़िक्र होता है जिस तरह अल्लाह ताला का जिक्र हर वक्त कायनात पर छाया रहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी सारी कुर अर्ज़ पर और कायनात में रहता है क्योंकि अगर सिर्फ़ पाँच नमाजों को ही लें तो जिस तरह ये सूरज के ढलने के साथ मसलन मगरब का टाइम होता है तो मगरब की नमाज़ एक इलाके में उसके बाद दूसरे इलाके में उसके बाद तीसरे इलाके में थोड़े थोड़े वक्त की तब्दीली से ये मुख्तलि इलाक़ों में होती चली जाती है तो सारी ज़मीन जो है उस वक्त अल्लाह की हम से महमूर रहती है इसी तरह आगे इशा की नमाज़ का वक्त हो जाता है फिर सुबह का वक्त है फिर उसके बाद दूसरी नमाज़ों का तो सारी ज़मीन पर हर वक्त सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम पर दरुद और आपकी हमदो तारीफ़ और ख़ुदा ताली की सना जो है ये महम्म रसूल सल वसम इबादत के ज़रिए होती है और इसमें एक ख़ास पहलू जो जमात अहमदिया के लिए है वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से जमत अहमदिया उन उनक़ों में भी पहुंची है जहां दीगर मुसलमान नहीं हैं उन जज़ीरों पर पहुंची है जहां वो मोहम्मद रसूल सल अल्लाह वसम के नाम वाली आजान ख़ुदा ताला के ज़िक्र वाली आजान बुलंद करते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं और दुनिया का कोई किनारा दो कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ रसोल्ला सल्लम की हमदना होती हो तो ये हज़रत बकूक नबी अलामाम की जो पेशगोई है ये हमें याद दिलाती है कि यहाँ आपने मोहम्मद वसल्लम का ज़िक्र किया है और आप ही एक ऐसे नबी हैं जिनकी सारी कायनात में और कर्र अर्ज़ पर ख़ास तौर पर बला किसी जगह के हर जगह हमद हो रही है तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो अपने जिक्र के साथ भी सारी दुनिया पर हावी है फ़लहद जजाक आप सुन रहे थे मोहतरम हादी अली चौधरी साहब के अफ्ती कलम अब आपको दावत के अपने सवाल के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हों सवाल पेश करने के लिए एक से ज़्यादा तरीक़ आपके पास मुहैया हैं पहला तरीक है कि अगर आप टेलीफ़ोन के ज़रिए अपना सवाल पूछना चाहें तो हमारा नंबर नोट कीजिए फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन इसी तरह टू एट नाइन थ्री जीरो फोर सेवन वन एट सिक्स टू एट नाइन थ्री जीरो फोर सेवन वन एट सिक्स और तीसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री जीरो फोर जीरो वन जीरो फाइव टू एट नाइन थ्री जीरो फोर जीरो वन जीरो फाइव दूसरा तरीक है कि आप ई के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं उसके लिए हमारा ई का पता नोट कीजिए क्यू यानी यानि क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए हमारी वेबसाइट जो है उसका पता है वॉइस ऑफ इस्लाम या एक ही लफ्स है वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी आप ना सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि साहब का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो भी देख सुन सकते हैं या मैं अर्ज कर दूँ कि आप जहाँ से भी अपना सवाल भेजें टेलीफ़ोन के जरिए भेजें ईमेल के जरिए भेजें तो उसके साथ अपना तारुफ ज़रूर शामिल करें अपना नाम और शहर का नाम पसंद करें कि आपका नाम ना लिया जाए तो जिक्र कर दें टेलीफ़ोन पर आज अनीस अहमद साहब हैं उनको बता दीजिए और अगर ई मेल कर रहे हैं तो उसमें लिख दीजिए आपके शहर के तारुफ़ से आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा इसी तरह एक और गुजारिश है कि एक मिनट का दौरानिया हम पेश करते हैं उन सामीन के लिए जो टेलीफोन के जरिए अपना सवाल पेश कर रहे हैं ब्राह महरबानी अपना सवाल आप उसमें लिख लें ताकि जब आप ऑन एयर हों तो आपको फिलबदी न पढ़ना पड़े बोलना पड़े आप पढ़ के कर दें बा एक मिनट में सवाल मुकम्मल हो सकता है अगर आपके सवाल के साथ कोई हवाला है जो आप शामिल करना चाहते हैं तो सूरत में हवाला ऑन एयर लिखवाने की बजाय आपसे गुजारिश कि अनीस अहमद साहब को लिखवा दीजिए वो मुझे या हादी साहब को पेश कर देंगे और इसी तरह अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल में हवाला लिख दीजिए वाजफा सुनने में लिखने में गलती हो सकती है और उससे फिर वो हवाला की तसली चूँकि नहीं होती हवाला चूँकि सही नहीं होता इसलिए फिर उसको सवाल में शामिल नहीं किया जा सकता गुफ्तु -कु का सिलसिला जारी मोहतरम हादी साहब अभी हमारे पास कोई मेहमान नहीं है और मैं ईमेल भी चेक कर रहा हूँ ईमेल में भी कोई नहीं है तो आपको दावत के जारी रखे जैसे के लो लो का जिक्र तो सारी जमीन परेशरत तो सल्हम के शुमायल और आपकी सिफात आलिया का जिक्र हो रहा था अल्लाह तेरन करीम में जो आपकी सफ़ात बयान फरमाई और अम्बिया सबका ने जो आपकी हमदो तारीफ़ की उसका जिक्र हुआ था अब रसूल सल्लम खुद अपना जिक्र किस तरह फरमाते हैं, बे हैं। बे ये बड़ा दिलचस्प है और तमाम मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पर अहमदी मुसलमानों के लिए ये सोचने वाली बात है और काबिल अमल बनाने वाली बात है अल्लाह ताला हर एक पर हज़रत अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर फरमाए और आपकी इस किरदार और इस सीरत पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए चुनाच हज़रत अब्दुल्ला रज़ी बयान फ़रमाते हैं कि चटाई पर लेटने की वजह से हज़रत वसल्लम के जिस्म पर निशानात थे जिन्हें देख कर मैंने अर्ज़ की कि हमारी जान आप पर फिदा हो अगर आप इजाज़त दें तो हम इस चटाई को कोई गदेला वगैरह बिछा दें इस चटाई पर कोई गदेला वग़ैरह बिछा दें जो आपको इससे महफूज रखे यानी ये जो नंगी चारपाई पर जो निशान पड़ जाते हैं जिस पर वो ना पड़े तो आपने क्या फरमाया आप फरमाते हैं आना व दुनिया के मुझे इस दुनिया से क्या लेना है इन्ना आना व दुनिया के यकीन मैं और ये दुनिया इस तरह है का राके बिन जैसे एक सवार होता है इस तज़ल तहत शजारन वो एक दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए साय में इस्तराहत करता है आराम करता है सुमा व तारा कहा, फिर वो उसको छोड़कर चल पड़ता है कि मुझे दुनियावी लज्जतों से क्या गर्ज मेरी और दुनिया की मिसाल तो ऐसी है जैसे एक मुसाफिर हो जो सस्ताने के लिए साएदार दरख्त के नीचे कुछ देर के लिए बैठ जाता है और फिर उसे छोड़कर अपने सफ़र पर रवाना हो जाता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जो तशरीफ़ लाए आपकी ज़िंदगी का एक मजमू नक्शा इस फरमान नबी में है कि आप इस दुनिया में इसी तरह रहे जिस तरह एक मुसाफिर होता है और असल असल जो आपका ठिकाना था असल जो आपका मकाम था वो और असल घर जो था वो उखरवी घर था अल्लाह ताला के तजूर आप थे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बयान करदा तारीफ़ है हज़र मसीह मौदातलम ने शुमा नबी में बहुत कुछ लिखा है और जिस क़दर इरफान के साथ और आपकी ज़ात का जो गहरा जायज़ा है वो आपने पेश किया है उससे सैकड़ों हज़ारों सफ़ात भरे हुए हैं और कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें हज़र सल्ला वम की के वाफ़ हमीदा पर आपका गैर मामूली और एजाजी कलाम मौजूद ना हो आपने ये अरबी में भी लिखा उर्दू में भी लिखा फारसी में भी लिखा आपने नसर में भी लिखा और नज्म में भी लिखा और तीन तीनों भाषाओं में ये नजम नसर और आ, 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 नजम और नसर मौजूद है तो हजर मसी मौदा वसलम आपके अखलाक आलिया का जिक्र करते हुए फरमाते हैं अखलाक आजरत सल्ला वसलम के वो सद हाँ में अच्छी तरह खुल गए और इम्तहान किए गए और उनकी सदाकत आफ़ताब की तरह रोशन हो गई और जो अखलाक, कर्म करम और जूद और स, जूद भी सखावत है जूद और सखावत और इसार और फतुवत फतुवत यानि बहादरी और शुजात और जोहत और कनात और एराज यानी दुनिया यानी दुनिया से ला की के मतलब थे वो भी हज़रत सल्ला वसल्म की ता मुबारक में ऐसे रोशन और ताबा और दरखशाँ हुए कि मसीह क्या बल्कि दुनिया में हज़रतम से पहले कोई भी ऐसा नबी नहीं गुज़रा जिसके अखलाक ऐसी वजाहत तामा से रोशन हो गए हों क्योंकि खुदा ताली ने अपने बेशुमारज़ान के दरवाज़े आजरत सल वम पर खोल दिए सो आज राब ने उन सब को ख़ुदा की राह में ख़र्च किया और किसी नौ की तन परवरी में एक हब्बा भी खर्चना हुआ हब्बा यानी एक दाना भी खर्चना हुआ ना कोई इमारत बनाई ना कोई बारगाह तैयार हुई बल्कि एक छोटे से कच्चे कोठे में जिसको गरीब लोगों के को कोठों पर कुछ तरजीह ना थी अपनी सारी उम्र बसर की बदी करने वालों से नेकी करके दिखलाए और जो दिल आज़ार थे उनको उनकी मुसीबत के वक्त अपने माल से खुशी पहुँचाई सोने के लिए अक्सर ज़मीन पर बिस्तर और रहने के लिए एक छोटा सा झोंपड़ा और खाने के लिए नाने जौ या फाका इख्तियार किया दुनिया की दौलतें बक़सरत आप आपको उनको दी गईं पर आ हज़रत वसल्लम ने अपने हा, अपने पाक हाथों को ज़रा आलुदा ना किया और हमेशा फ़क़र को तवंगरी पर और मस्किनी को अमीरी पर इख्तियार रखा और उस दिन जो उस दिन से जो जहूर फरमाया ता उस दिन तक जो अपने रफ़ी के आला से जा मिले उस दिन से जो जहूर फरमाया ता उस दिन तक जो अपने रफ़ी के आला से जा मिले जुज अपने मौला करीम के किसी को कुछ चीज़ ना समझा और हज़ारों दुश्मनों के मुकाबले पर मारका जंग में कि जहाँ कत्ल किया जाना यकीनी अम्र था खाल खुदा के लिए खड़े होकर अपनी शजात और वफ़ादारी और सबत कदमी दिखलाई गर जूद और सखावत और जहद और कनात और मर्दी और शुजात और मोहब्बत इलाहिया के मतलब जो जो अखलाक फाजला हैं वो भी खुदावंद करीम ने हज़रत ख़ातम लम्बिया सल्हुहस में ऐसे ज़ाहिर किए कि जिनकी मिसल ना कभी दुनिया में ज़ाहिर हुई और ना आइंदा जाहिर होगी इब्राहन अहमदी सोम रोहान खजा जल देग सफ़ा दो सौ अठासी तो सौ इक्यानवे नंबर ग्यारह में दर्ज है फिर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस कदर साबित हुए हैं वो किसी और नबी के नहीं क्योंकि अखलाक के इजहार के लिए जब तक मौका ना मिले कोई अखलाक अखलाक साबित नहीं हो सकता गर सब खुल्क मौके से वाबस्ता हैं अब समझना चाहिए कि जिस कदर खुदा के फजल की बात है कि आपको तमाम अखलाक के इजहार के मौक़े मिले ये बड़ी बात है कि इंसान के अंदर बाज़ात ख़ूबियाँ होती हैं और उनके इज़हार का मौका नहीं होता वो दब जाती हैं या उसी तरह ज़ाहर होने से रह जाती हैं मगर आज़रत सल्ला वसम को हर किस्म के अखलाक आलिया के, के ज़ाहर करने के मौक़े मिले फिर हज़रत मसीह मौदिम फरमाते हैं वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मोहम्मद दिल भर मेरा यही है सब पाख हैं पे अम्बर एक दूसरे से बेहतर लेकज खुदाए बरतर तर खैरवरा यही है पहलों से खूब तर है खूबी में एक कमर है उस पर हर एक नज़र है बदरुद्दज़ा यही है पहले अम्बिया जो थे वो उनके अंदर भी बहुत अला सिफात थी मगर उन सबसे बढ़ कर मोहम्मद सल्म है और आपकी हार खूबी में गोया एक चाँद चढ़ा हुआ है और सारे नबी आपकी तरफ ही देखते हैं तो ये ऐसा ज़ाहिर हुआ हुआ रोशन सूरज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दुनिया में ज़ाहर हुआ फिर हमारा पहले तो राह में हारे पार उसने हैं उतारे मैं जाऊं उसके बारे बस ना खुदा यही है कि पहले नबी जो थे वो तो रास्ते में हार गए क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हुए वक्त के तकाज़ों में वक्त की रफ़्तार में वक्त के अंदर वो मदम हो गए और लोगों ने उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जो उनकी हैसियत थी उससे उनको बहुत अदना करके दिखाया तो गोया वह हारे हुए थे हारे हुए थे रसूल सल वसम ने आकर उनको पार लगाया यानी आपने उनके उस भी बयान किए उनकी तालीमत को भी ज़िंदा किया और फिर उनकी तस्दीक फ़रमाई आप उनके मुश्द थे फिर हजूर फरमाते हैं पर्दे जो थे हटाए अंदर की राह दिखाए दिल यार से मलाए वो आशना यही है जितने जो रूहानियत के पर्दे थे उनको आपने एक तरफ़ किया और अंदर की राह दिखा दी कि किस तरह वो यार नहानी मिलता है और अल्लाह ताला से आपने दिलों को मिलाया फरमाया वो यार ला मकानी वो दिल बरे नहानी देखा है हमने उससे बस रहनुमा यही है जो खुदा तला है ला मकान है और ऐसा महबूब है जो छुपा हुआ है हर जगह हर दिल में छुपा हुआ है मगर उसको हमने इस रहनुमा के ज़रिए देखा है वो आज शाह दी है वो ताज मुरसली है वो तयब अमी है उसकी सना यही है तो आज इस दुनिया का बादशाह दीन का बादशाह मोहम्मद रसूल सल्ला है और रसूलों का वो ताज है और वह तैयब है और वह अमीन है और उसकी यही तारीफ है फिर फरमाते हैं आपकी शक्ल सूरत जिस पर खुदा पर भरोसा करने का नूर चढ़ा हुआ था कैसी खूबसूरत इबारत है कि आपकी शक्लो सूरत जिस पर खुदा पर भरोसा करने का नूर चढ़ा हुआ था और जो जलाली और जमाली रंगों को लिए हुए था हुए हुए थी यानी सूरत आपकी उसमें एक कशिश और कुत थी कि वो बेख्तियार दिलों को खेचे लेती थी ये रसूल की वो पाक शान है जो ने बयान फरमाई जल्ला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतरम हादी अली साहब तीफ़ फरमा है गुफ्तु का सिलसिला जारी हमारे साथ आप अगर आज अपना प्रोग्राम पेश करना चाहते हैं अपना सवाल पेश करना चाहते हैं ई तो ईमेल के जरिए अपना सवाल पेश कर सकते हैं क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए क्यू ए यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए तरह अगर आप अपना सवाल टेलीफोन पे पेश करना चाहते हैं तो हमारे नंबर नोट कीजिए तीन नंबर हैं फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन दूसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री जीरो फोर सेवन वन एट सिक्स टू एट नाइन थ्री ज़ीरो फोर सेवन वन एट सिक्स और तीसरा नंबर है टू एट नाइन थ्री ज़ीरो फोर ज़ीरो वन ज़ीरो फाइव टू एट नाइन थ्री जीरो फोर जीरो वन ज़ीरो फाइव आपके साथ हमारी हमारा ये प्रोग्राम आज इन शाह आठ बजे तक चलेगा और प्रोग्राम के आखिरी पंद्रह मिनट में हम जो सवाल लेते हैं वो इस रत के साथ लेते हैं कि अगर वक्त इजाज़त देगा तो उनका जवाब दिया जाएगा वरना उनको सवालों को जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर उनको शामिल नहीं किया जाएगा आ, ये प्रोग्राम बक वक्त टोरंटो और मॉन्ट्रियल के इलाके में सुना जा सकता है टोरंटो में इसकी फ्रीक्वेंसी है 1350 यानी 1350 सौ एम और मॉन्ट्रियल में 1610 सौ दस एम सिक्सटीन टेन एम पे यह प्रोग्राम सुना जा सकता है अगर आप टेलीफोन पर यह प्रोग्राम सुनना चाहें तो आपकी सहूलत के लिए ट्रॉन्टो के इलाके में या टोरंटो वालों के लिए जो मकामी नंबर है सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव ज़ीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो और मॉन्ट्रियल वालों के लिए फ़ाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन ज़ीरो एक दो फिर मॉन्ट्रियल वालों के लिए फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन ज़ीरो गुफ्तु का सिलसिला जारी मोहतरम हादि साहब के साथ जी हादी साहब सामी <स्थाग> साम कराम आपकी खिदमत में रसूल सल्ला वम के वाफ़ हमीदा और आपकी सिफाती आलिया का जिक्र जो कुरान करीम में था अल्लाह ताली की तरफ़ से बयान हुआ इसी तरह जो अम्बिया सबका ने आपका ज़िक्र फरमाया और फिर और बाद में आपके उम्मती नबी हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद मसीह मऊदात ने जो आपकी सिफ़ात का जिक्र फ़रमाया आपकी सीरत तयबा का जिक्र फ़रमाया आपकी बुलंद शान का जिक्र फरमाया वो आपकी खिदमत में पेश किया गया आए आप देखते हैं कि रसूल सल्ला वसम के सहाबा आपके बारे में किस तरह आपने जज्बात का इजहार करते हैं और आपकी शान को और आपकी सीरत को और आपके असाफ को बयान करते हैं फरमाते हैं आजरा सल्ला वसलम का चेहरा सच्चाई के नूर बल के आपका सरापा तकदस की आसमानी रोशनी से जगमग जगमग करता था हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी बयान करते हैं जब हज़रत अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीन तशरीफ़ लाए तो लोग आपके इस्तबाल के लिए निकले तो मैं भी उनके साथ हो लिया जब मैंने वसल्लम का चेहरा देखा तो मैंने एक यक़ीन महसूस किया कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता हज़रत जाबर जाबर बिन सुमरा बयान फ़रमाते हैं रज़ी बयान फ़रमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सल्लाख चादर ओढ़े रोशन चांदनी रात में बाहर तशीफ़ लाए तो मैं कभी आपको देखता और कभी चांद को मगर बखदा आप चांद से ज़्यादा हसीन थे फिर लिखा है कि हज़रत सल्लम बारोब और वजी शक्लो सूरत के थे आपका चेहरा मुबारक यूं चमकता था गोया चौदवी का चांद था आप खूबसूरत दरमियाना कद यानि पस्ता कद से दर दराज और तवील कामत से किसी कदर छोटे थे बहुत मुतवाजन क़द था आपका सर बड़ा मुतवाजन बाल खामदार और घने जो कानों की लू तक पहुँचते थे या लो तक पहुँचते थे आपके सर पर मांग नुमायाँ थी आपका रंग खिलता हुआ सफ़ेद पेशानी कुशादा अबरू लंबे, बारीक और भरे हुए थे जो आपसे मिले हुए जो आपस में मिले हुए नहीं थे बल्कि दरमियान में सफेद जगह नज़र आती थी जो कभी नाराज़गी के वक्त नुमाया हो जाती थी आपका नाक खूबसूरत बारीक आपकी नाक खूबसूरत बारीक थी जिस पर नूर झलकता था और वो सरसरी देखने वाले को कदरें उठी हुई महसूस होती थी आपकी रीछ मुबारक घनी रीछ यानी दाढ़ी घनी रुखसार नरम और हमवार दहन कुशादा दांत रेखदार और चमकीले आपकी आँखों के कुएँ बारीक, गर्दन सुराहीदार, चांदी की तरह शिफ़ाफ़, जिस पर सुर्खी झलकती थी आपका जिस्म बहुत मोतदल कदर फरबा मगर मुतवाज़न शिकमो सीना हमवार लेकिन सीना चौड़ा और कुशादा जोड़ मजबूत और भरे हुए जिल्द चमकती हुई नाजुक और मुलायम छाती और पेट बालों से बिल्कुल साफ़ सवाई एक बारीक सी धारी के जो सीने से नाफ़ तक चली गई थी आपकी कोहनियों तक दोनों हाथों और कंधों पर कुछ कुछ बाल थे आपकी हथेलियाँ चौड़ी और गोश्त से भरी हुई थीं और उंगलियां लंबी और सडोल पाँव के तलवे कदरे भरे हुए आपके कदम नरम और चिकने के पानी भी उन पर फिसल जाए आप जब कदम उठाते तो पूरी तरह उठाते आपकी रफ्तार बावकार लेकिन किसी कदर तेज़ जैसे बुलंदी से उतर रहे हों जब किसी की तरफ रुख फेरते तो पूरा रुख फेरते आप नज़र हमेशा नीचे रखते यूं लगता जैसे फ़जा की नस्बत ज़मीन पर आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती है आप अक्सर नीम व आँखों से देखते आपने सहाबा के पीछे पीछे चलते और उनका ख्याल रखते थे और हर मिलने वाले को पहले सलाम करते थे आपका अंदाज़ ऐसा था कि जैसे किसी मुसलसल गहरी सोच में हैं और किसी ख्याल के बायस कुछ बे आरामी सी में हैं। आप अक्सर चुप रहते थे और बिला ज़रूरत बात ना करते थे आप जब बात करते तो पूरी वजाहत के साथ करते थे आपकी गुफ्तु मुख्तसर लेकिन फसी व बलीग पुरिकमत और जाम मजामी पर मुश्तमिल और जायद बातों से खाली होती थी लेकिन उसमें कोई कमी या इबहम ना होता था आप न, ना किसी को मजम्मत तहकिर करते थे आप ना किसी की मजम्मत तहक़ीर करते थे ना तो हीन व तनकीस आप छोटी से छोटी नमत को भी बड़ा जाहिर फरमाते थे आप में शिक्र गुज़ारी का रंग बहुत नुमायाँ था किसी चीज़ की इतनी तारीफ ना करते कि गोया आप आपको वो बेहद पसंद है मज़ेदार या बदमज़ा होने के लिहाज से खाने पीने की चीज़ों की तारीफ़ या मजम्मत में ज़मीन व आसमान के कलाबे मलाना आपकी आदत ना थी म्यान रवि आपका मुस्तकिल श था दुनियावी मामलात या नुकसान की वजह से वजह में ना नाराज़ होते ना बुरा मनाते लेकिन अगर हक की बेहरमती होती या हक गसब किया जाता तो आपके गु़स्से के आगे कोई ठहर ना सकता था और जब तक उसकी तलाफ़ी ना हो जाती थी आप चैन ना ले सकते थे खुदा तला के लिए और उसके हक़ के लिए आपकी गैरत बेानतहा जोश मारती थी आपको अपनी ज़ात के लिए कभी गु़स्सा ना आता था और ना उसके लिए बदला लेते थे लिखा है कि जब आप इशारा करते तो पूरे हाथ से करते थे सिर्फ़ उंगली ना हिलाते थे जब तजब का इजहार फरमाते तो हाथ को उल्टा, उल्टा देते थे जब किसी बात पर ख़ास ज़ोर देना मकसूद होता तो एक हाथ को दूसरे हाथ से इस तरह मिलाते थे कि दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ के अंगूठे को मारते जब किसी नापसंद पसंदीदा बात को देखते देखते तो उससे मुंह फेर लेते थे जब खुश होते तो आपकी आंखें किसी कदर बंद हो जाती थीं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हंसी एक खुले हुए तबसम की हद तक होती थी यानी आप ज़ोरदार कहका ना लगाते थे हंसते तो आपके दंदान मुबारक ऐसे नज़र आते थे जैसे बादल से गिरने वाले सफ़ेद और शफाफ़ ओले हों हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी फरमाते हैं मैंने किसी और शख्स को रसुल्ल्सम से ज़्यादा मुस्कराते हुए नहीं देखा हज़रत तायशा फ़रमाती हैं मैंने आ हज़रत सल्लम को कभी कहका लगाकर कर हुए नहीं देखा आपका हंसना एक दिल आवेज तबसम तो होता था आप खुश होते तो आपका चेहरा मुबारक ऐसे चमकने लगता था जैसे चांद का टुकड़ा हो इसके साथ आपकी ये कैफियत भी थी कि आप बहुत हसी हसीन भी थे यानी गम अपने अंदर रखते थे गमज़दा थे जैसे इसके साथ आपकी ये कैफियत भी थी कि आप बहुत हसीन भी थे और हमेशा मुतफक्कर भी जैसे आपके लिए कोई खुशी नहीं थी यानी मुस्करा एक साहब ही कहते हैं मैंने आपसे ज़्यादा मुस्कराते नहीं देखा दूसरे कहते हैं कि बहुत हज़ीन और मुतवक् रहते थे तो ये हज़रत सल वसम की मुतवाज़न तबीयत थी जिसकी वजह से ये दोनों तसरात नुमायाँ उबड़ते थे और ये दोनों चीज़ें खुश रहना भी और मुतवक् रहना भी साथ, साथ आपकी ज़िंदगी में चलता था हज़रत सल्ह वसलम के उसाफ़ अमीदा का तस्कर करते हुए हजरत खदीजा रज़ी फरमाती हैं इन्ना कल तसिलहम व तहमल्कला व तकसबालमादूमा व तकर ज़ैफा व तो हक क्या आप सिला रहमी करते हैं कमज़ोरों को उठाते हैं जो नकियाँ मिट चुकी हैं आप उनको दोबारा कायम करते हैं मेहमान नवाजी और में ज़ैफ करते हैं और ज़रूरियात में दूसरों की मदद करते हैं हज़रत फरमाती हैं रज़ी अल्ला कि आपने कभी किसी को मारा नहीं था ना किसी औरत को ना खादम को आपने अल्लाह ताला की राह में खूब जिहाद किया आपको अगर किसी ने कभी तकलीफ़ पहुंचाई तो आपने उससे कभी इंतकाम नहीं लिया हाँ जब अल्लाह ताला के किसी काबिल एहतराम मकाम की हद तक या बेहरमती की जाती तो फिर आप अल्लाह ताला की खातर इंतकाम लेते थे आपको जब भी दो बातों में से किसी एक के इंत का इख्तियार दिया गया तो आप उनमें से जो आसान होती उसे इख्तियार फरमाते लेकिन वो आसान बात अगर गुनाह होती तो फिर आप उससे सबसे ज़्यादा दूर रहने वाले होते थे हजरत हज़रतनस रजी बयान फरमाते हैं कि हज़रत वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन थे सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे एक रात मदीने में घबराहट के हालात पैदा हुए और एक समत में शोर सा उठा लोग उस शोर की तरफ़ निकल पड़े रास्ते में आप उन लोगों को वापस आते हुए मिले क्योंकि आप सबसे ते पहले तेज़ी के साथ उस शोर की तरफ तशरीफ़ ले गए थे आप हजरत अबू तलहा के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे और आपकी गर्दन में आपकी तलवार लटक रही थी आप लोगों को तसली दे रहे थे कि डर की कोई बात नहीं है डर की कोई बात नहीं है हज़रतली रजीनाना फरमाते हैं कि मैदान जंग में जब जंग का तनूर खूब भड़क उठता था और जंग जुओं की आंखों में खून उतर आता था तो उस वक्त आप उस वक़्त हम आपकी ओट ले लेते थे और हम सबसे आगे दुश्मन के क़रीब तर र ल... और हम सबसे आगे और दुश्मन के क़रीब तर रसूल सल्ला वम हुआ करते थे फिर लिखा है आपकी दाढ़ी में मादूद चंद बाल सफ़ेद थे जो कि बीस से ज़्यादा ना होंगे आप खल के अजीम पर कायम थे और आपके अख्लाक कुरान करीम का अमली अक्स थे आप दुआ करते थे अल्लाम आसंत ख़लकी फ आसिन खुलकी खुली क्या है मेरे अल्लाह जिस तरह तूने मेरी तख्लीक़ को हसीन बनाया है इसी तरह मेरे अखलाक को भी हसीन बना फिर लिखा है आप सबसे ज़्यादा सखी थे भलाई और सखावत आप धार, और में आप मूसलाधार बारिश और उसमें चलने वाली तेज़ हवा से भी ज़्यादा तेज़ रफ़्तार थे आप यानी सखाव में आप बहुत तेज़ रफ्तार थे आपसे जब भी कुछ मांगा गया आपने कभी ला नहीं कहा यानी ना नहीं की आपकी ज़िंदगी इंताई सादा थी और आप अदना से अदना काम करने में भी कोई आर नहीं समझते थे आप अपने ऊँट को खुद चारा खुद चारा डालते थे घर के काम काज करते थे अपनी जूतियों की मरम्मत कर लेते थे कपड़ों को खुद पैबंद लगा लेते थे बकरी दूध देते दे बकरी दोह लेते थे यानी उसका दूध निकाल लेते थे खादम को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे अगर वो आटा पीसते कभी थक जाता तो आप उसकी मदद करते बाज़ार से घर का सामान उठाकर ले आते हर अमीर गरीब से मुसाफा करते थे सलाम करने में पहल करते थे अगर कोई मामूली खजूरों की दावत भी देता तो आप उसे अकीर ना समझते और कबूल फरमाते थे आप नहात हमदर्द नर्म मजाज और हलीमु तबा थे आपका रहन सहन बड़ा साफ़ सुथरा था आप हर एक से बशाशत और मेहरबानी के साथ पेश आते थे एक दिल आवेज़ तब्सम की झलक हर वक्त आपके चेहरे पर रहती थी आप खुदा तला के खौफ और उसकी बेनियाजी से फिक्रमंद रहते थे आपके अंदर तरश रुई और खुश तबी का नामो निशान ना था मुनकरसरमजाज थे यानी इनकसारी थी आपके मजाज में लेकिन उसमें किसी कमजोरी या पस्त हिम्मती का शायबा ना था आप बे सही थे मगर इसराफ नहीं करते थे और बेजा खरे से हमेशा बचते थे आप नर्म दिल और रहीम और करीम थे आपके खाने में भी म्याना रवि थी यानी इतना ना खाते थे कि डकार लेते रहें कभी हिरसो तमा की वजह से हाथ ना बढ़ाते थे बल्कि आप सब्र शुक्र और कनात के आला मुकाम पर फायज थे आप में तकबर का शायबा ना था तक ना था आप ना किसी बात पर नाक चढ़ाते थे और ना उसमें कोई आर समझते थे आप बेवाओं और मस्किनों के साथ चलें आप बेवाओं और मस्किनों के साथ चलें और उनके काम आएँ और उनकी मदद करें ईमानत दारी में आपका नमूना ये था कि दावा नबू से पहले का वाक़ है कि जब हजरे असवद को खाना क़बा की तमीर नौ के वक्त नस्ब करने का वक्त आया तो आपको देख कर लोग पुकारे कि मोहम्मद गए हैं ये अमीन हैं हम सब इनके फ़ैसले पर राज़ी हैं हाँ हज़र सल्हम्म पर्दा नशीन हया कंवारी से भी ज़्यादा हया दार हया रखते थे जब कोई चीज़ आपको नापसंद होती तो आपके चेहरे के आसार से हम आपकी कल भी कैफियत को पहचान पे, लेते थे तो ये उसाफ़ हमीदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके अखलाक और आपके मुबारक खुल की जो तफसील है वह साहबा ने बयान की जो कार्य इंसान के पेश ज आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतरम हादी अली तो तीफरमा हैं साम प्रोग्राम का सिलसिला जारी अगर आप अपना सवाल आज के प्रोग्राम में शामिल करना चाहें तो हमारा ई का पता है क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉयसलाम डॉट सी ए क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए प्रोग्राम सुना जा सकता है बक वक्त ट्रांटो और मॉन्ट्रियाल के इलाके में ट्रांटो में फ्रिक्वेंसी है थर्टीन फिफ्टी एम तेरह सौ पचास एम जबकि मॉन्ट्रियल में 1610 यानी 1610 सोलह सौ दस एम पे ये प्रोग्राम सुना जा सकता है अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी बरह रास्त नहीं आ पा रही या आप टेलीफोन पे सुनना चाहते हैं बेहतर आवाज़ के लिए या जिस भी वजह से तो टोरंटो के इलाके में नंबर है सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो मॉन्ट्रियल के इलाके के सामे नंबर नोट कीजिए फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो सवाल पूछने के लिए जो हमारा नंबर है वो लिखें तीन नंबर है मैं तीनों पेश कर देता हूँ जी नहीं अच्छा मुझे बताया गया कि जो नंबर मैं पढ़ रहा हूं उसमें कुछ तसीह है तो ये नंबर जैसे ही आता है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ नीस साहब नंबर ले आए हैं नंबर है जी फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन ये नंबर है जिसपे आपने फ़ोन करना है दूसरे नंबर मेरे पास कोई पुराना का इंफॉर्मेशन है जिससे मैं ये पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ नंबर एक दो फिर नोट कर लीजिए सवाल पूछने के लिए फोर वन सिक्स सेवन जीरो थ्री सेवन फाइव सिक्स वन हमारे साथ लाइन पे हैं यानी नहीं है कोई नहीं ठीक है जी जी हादिसाब गुफ्तु का सिलसिला जारी हादिसाब के साथ जी <coughs> सामिन आपके सामने हमने अल्लाह ताला की तरफ़ से करीम में जो हज़रत अलैहि वसल्लम की बुलंद शान बयान की गई है उसका जिक्र किया अम्बिया सबका ने जो आपकी तारीफ़ की और आपकी हमद की उसका जिक्र किया हज़रत मसी मौत असलाम ने जो आपके और साहब बयान किए उनका भी जिक्र किया इसी तरह सब रिजवान ने जो आज सल्लाम के बारे में बयान किया वो सारी तफसली बातें आपके सामने रखी हैं जी अच्छा आप देखते हैं जी ए एक सवाल आया है अगर इजाज़ दें तो पेश करूँ जी ठीक है जी, ये सवाल है, है इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन ये शहर का नाम इन्होंने वॉन लिखा है फरमाते हैं कि एक रिवायत बड़ी कसरत से बयान की जाती है मन, ये, मन सब्बा और ये कहा जाता है कि जो आज सलम को गाली दे उसे कत्ल कर दो तो इसकी क्या हकीकत है जी बड़ा अच्छा सवाल है ये जो रवायत है बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया बयान फ़रमाया जी कि मन सब्बा नबीन फ़क्लू हो और ये एक नारे की तरह और एक सबक की तरह पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में राइज की गई है और क्लासों में स्कूलों में मदरसों में इसको रटाया जाता है और जिस तरह नारे लगाते हैं मन सब्बा नबीन दूसरा फ्री कहता है हो इस तरह इसको बयान किया जाता है तो ये बड़ी कसरत से इसको एक जैसे अब शरीयत यही रह गई है कि कोई ना कोई ढूंढो जो जो रसुल करीम अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा और उसको गाली का नाम देकर गुस्ताखी पहले तो खुद ब खुद गुस्ताखी करार दे दिया जी और फिर उसको गाली करार देकर उसको कत्ल कर दो अभी पीछे एक वाक़ा भी हुआ श्रीलंका का एक नौजवान था जिसको इस तरह उन्होंने कत्ल कर दिया और बात सिर्फ ये थी कि एक पोस्टर था जो उसकी जगह से गालाया गया बहरहाल यह तफसीर मुझे इतनी नहीं पता लेकिन ये बहरहाल पक्की बात है कि उसको कतल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी के साथ कतल किया और उस पर अल्ज़ाम यही लगाया कि ये इसने रसोल व्लम की सुर्ण सुर्ण शान में गुस्ताखी की अब उसके वहमो गमान में भी ये बात नहीं होगी तो बहरहाल जो भी था जहाँ तक इस रवायत का ताल्लुक है इसको जिस तरह रटाया जाता है ये तशद्द पैदा किया करने की एक चाल है और तशद पैदा करने का एक जरिया एक आला इसे बनाया गया है जी। ये रसूल सल्ला वसम जहाँ तक मेरी तहकीक है मैंने बड़ा तफसली इस पर मुताल किया है और इसके बहुत सारे पहलुओं को देखा है तो ये बड़ा एन वक्त पर यह सवाल भी आ गया है तो मैं समझता हूँ कि ये रवायत जो है ये एक ऐसे माहौल में बनाई गई है ये वसल्लम का फ़रमान नहीं है उसकी वजह यह है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में तो अलग बात है कुरान करीम में इसका कोई जिक्र नहीं आता कि नबी को अगर कोई गाली दे या तोह करे तो उसको कत्ल कर दो कुरान करीम में कहीं तालीम नहीं खेंच तान कर बाज़ आयात की तशरीह की जाती है मगर ऐसी कोई आयत नहीं है किसी एक जगह भी पूरे कुरान में ये जिक्र नहीं है कि नबी की तोह करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहहीन करने वाला उसको कत्ल कर दो और जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत है सारी ज़िंदगी आपने ऐसे लोगों को माफ़ किया है जो अलैहि वसल्लम की तोह करते थे सामने भी तोहन की साहबा के अंदर भी तोहन की मगर रसोल्ला सल्ला वसम ने हमेशा उनको माफ़ किया आप रहमत मान आए थे आप रहमत रहे और उन पर रहमत का दामन ही वसी किया बाज़कात सहाबा ने गैरत की वजह से और आपकी मोहब्बत की वजह से उनको कत्ल करने के लिए इजाज़त मांगी मगर रसोल्ला सल्ला वसम ने इजाज़त नहीं दी उनका इजाज़त मांगना ही बताता है कि यह मना था और उस ममानियत को जायज़ करने के लिए वो इजाज़त मांगते थे मगर हज़रतल वम ने नहीं दी हज़रत रसोल्ल सल्ला व्म की जो तोहन की जाती थी उसमें अब्दुल्ला बिन उबै बिन सलूल जो था उसने बहुत गहरी साजिशें भी की तोह करने की और बरा रास्त सामने भी उसने ये बातें की तो ये जो तोहन का पहलू है रसूल अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर लिया ही नहीं कभी और आपने बड़ा वाज फ़रमाया था कि मुझे कभी भी कोई गाली नहीं पहुँचती आपने फरमाया कि अला तो रौना कैफ़ा यासर फल्ला शतमा क्रैशिन वालाना हो क्या क्या तुम ये देख नहीं देखते नहीं कि अल्लाह ताला किस तरह कुरैश की गालियों को और उनकी लानतों को मुझसे दूर करता है मूना याशतमूना वालानूना मुजम्मन व जालानी रबी मोहम्मद कि वो अपनी तरफ़ से जिसको गाली देते हैं या जिस पर लानत भेजते हैं उसको मजम्म कहते हैं वो मजम्म को ऐसा कहते हैं मैं तो मोहम्मद हूँ तो आपने इस बयान से ये नज़रिया बिल्कुल गलत कर दिया और साबित कर दिया कि किसी पर कोई गाली लग ही नहीं सकती लगती नहीं है तो इसलिए आप ये कैसे फरमा सकते थे कि जो किसी नबी को गाली दे उसको कत्ल कर दो और ये रवायत भी जो है ये देखने वाली है इसके अल्फाज ही अरबी कायदे के मुताबिक देखें तो मन सब्बा नबियन जिसने गाली दी नबियन किसी नबी को यहाँ वसल्लम मुराद ही नहीं है कोई भी नबी आम भी उसमें शामिल हो सकते हैं किसी भी नबी को, को गाली दे तो नबियन अपनी तरकीब के लिहाज से अरबी ग्रामर के लिहाज से मारफा है तो अ, नकरा है तो अगर मारफा होता तो फिर अलैहि वसल्लम होते यानी मनसब्बा नबिया होता तो नबीयान जो लफ्ज़ है ये नकर है इसका मतलब यह है कि कोई भी नबी जिस तरह हम इंग्लिश में भी कहते हैं बुक और अगर साथ दी मिला दें दी बुक तो उसके माने और हो जाते हैं ख़ास यानी जो सामने है तो अन नबी अगर रसोल्क़लीसमरद होते सामने। तो यहाँ मनसब्बा नबिया होना चाहिए था तो इसमें मनसब्बा नबीन है इसका मतलब ये है कि किसी भी नबी को गाली दें तो यहाँ आजर सल्लम की तो बात ही नहीं किसी भी नबी को गाली दें तो अब जो अम्बिया हैं उनमें से किसी को भी गाली देना इस उसका नतीजा कत्ल होता मगर ऐसा नहीं है और फ़क्त तो लू हो उसको क़त्ल कर दो और अगला टुकड़ा नहीं पड़ते ये पूरी जो रवायत है उसका आगे भी एक हिस्सा है उसमें है मनसब्बा असाबी फजले दूहो कि जो मेरे सहाबी को गाली दे उसको कोड़े मारो या मारो पीटो उसको बदनी सजा दो तो अगला हिस्सा क्यों नहीं पढ़ते उसकी वजह यह है कि कभी किसी सहाबी ने दूसरे सहाबी को जब भी ऐसी बात की जो गाली शुमार होती थी उसको नहीं पीटा गया उसको नहीं मारा गया तो दोनों लिहाज से यानी हज़र सल को गाली देने के या आपकी तोहन करने वालों को भी नहीं सजा दी गई और सहाबा में से भी अगर किसी को किसी ने गाली दी या उसकी तोहन की तो उसको सज़ा नहीं दी गई बल्कि एक वाक़ा आता है कि हज़रत अब्दरहमान बिन औफ़ को हज़रत खालद बिन वली रजीाना ने गाली दी सब्बा का लफज आता है वहाँ पर भी और एक जगह हज़रत तायशा रजीनाना के बारे में आता है कि आपने हज़रत जैनब रजीाना को सब किया यानी सब्बा का लफ आता है गाली दी मगर क्या उनको कोड़े मारे गए और बहुत सारे हैं आजरत व्लम की ज़ुबान बारग से ख़ुद ये अल्फाज निकले हैं ये जो रिश्तों के लिए बन बन ठान कर ज़ाहिर होने वाली औरतें थीं उन पर आपने सब किया सब्बल मुसर थे और मुस्तौला थे तो ये अल्फाज ये आते हैं सही अल्फाज मेरी ज़बान पर नहीं आए कि जो बाल बनाने वाली और बनवाने वाली दोनों को आन ने सब किया तो ये ने सोया गाली दी तो सब के माने भी गाली नहीं है हाँ एक दफ़ा तबूक आंसम तशरीफ़ ले जा रहे थे जो गज़वा तबूक था उसी सफ़र की बात है कि एक चश्मे की तरफ जिसमें पानी बहुत कम था आने ने फरमाया कि मुझसे पहले कोई इस चश्मे पर हाथ ना लगाए कोई इसको ना छूए तो दो आदमी थे वो चले गए और उन्होंने ऐसा कर दिया तो वहाँ आता है सब्बा हूँ माँ रसूल आपने इन दोनों पर सब किया गोया गाली दी तो ये गाली का लफ सब का माना गाली भी नहीं है कोई बुरा भला कहना या किसी नबी के वैसे तनकीस करना या उसको ना पहचानना ये सब में आ जाता है तो ये रवायत जो है इसको माने भी गलत किए जाते हैं इसकी जो ग्रामर के लिहाज से तरकीब है उस लिहाज से भी ये बात नहीं बनती लेकिन असल बात यह है कि क्या ये रसूल सल वसलम की बात है तो आप हैरान होंगे कि ये चौथी सदी हिजरी में चार सौ साल बाद ये जाहिर हुई है और अमाम तबरानी ने अपनी किताब सगीर में ये दर्ज की है उसके बाद फिर याज़ ने जो स्पेन के मुफ्ती थे उन्होंने इसको अपनी किताब अशफा में लिखा और फिर आगे चलती चली गई है फिर इमाम तैमिया ने अपनी किताब सारसूल में लिखा है तो ये रिवायत कहाँ से आगे चार सदियों के बाद और इसमें जो रिवायत करने वाले हैं वो हज़रत इमाम हुसैन हैं अमाम हसन ना अमाम हुसैन हजरत हज़रतली रजीलानों से रवायत करते हैं यानी ये रवायत हजरत हज़रतली रजीलानों की है तो हजरत हजरतली रजीनानों का अपना अमल भी खिलाफत जब आपको मिली उस वक़्त भी और सारी ज़िंदगी आन आम के दौर से लेकर अपनी खिलाफत तक एक दफ़ा भी किसी एक सहाबी को या एक शख्स को जिसने ऐसी तोहन व तनकीज़ की उन्होंने इसको नहीं मारा कतल नहीं किया तो रवायत करने वाले ख़ुद ही ये काम नहीं कर रहे तो ये इसका मतलब रिवायत बनाई गई है फिर सबा का जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इसको ये तो एक आम लफ्ज़ है जो सख्त बात कहना बुरे बुरा भला कहना और कत ताल्लुक़ करना किसी पर कोई ऐब लगाना आर उसके ऊपर लगाना कई मानों में आता है तो इसका यह माना नहीं कि ज़रूर उससे तोहन हो गई है तो जो बड़े लोग होते हैं साब इज़्ज़त तो लोग होते हैं उनको गाली पहुँचती वैसे ही नहीं है वो इस इन चीज़ों से बुलंद होते हैं जिस तरह रसूल सल्ला वम ने फ़रमाया तो ये रवायत बाद में घड़ी गई है इसकी सनद में जितने रावी हैं उन पर मुला अली कारी राम ने ये जो किताब है काज़ी याज़ की अशफ़ा बे तारीफ़ हकूकम़ा उस पर काफ़ी हद हाँ तक उन्होंने जरा की है और सनद में बहुत सारे रावियों के बारे में बहुत सारी आरह लिखी हैं जिनसे साबित होता है कि ये रावी मुस्तनद ही नहीं थे उनकी तरफ झूठ भी मंसूब होता है उनकी तरफ जाली रवायात करने की के ऐप भी लगे हैं इल्ज़ाम लगे हैं तो ये सारी बातें मजमू तौर पर बताती हैं कि ये रवायत जो है ये बाद में घड़ी गई है ऐसी हज रही सलम की ना तलीम है ना आपकी सीरत थी ना आपका उस्वा है तो ऐसी रवायतों को तशद जारी करने के लिए लोगों को सिखाना बच्चों को सिखाना और इधर उधर मशहूर करना ये गुनाह है। हैम ने फरमाया था कि जो मेरी तरफ़ मनकज़ा मान, बालिया फल या तबा मक् नार जो मुझ पर झूठ बांधेगा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में आग में पाएगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा तो ऐसी रवायतें को रिवाज देना ये तो मुल्कतें हो जानी काट देनी चाहिए ख़त्म कर देनी चाहिए रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसम आलमीन थे अफ तो दरगुज़र के शहनशाह थे आपने हमेशा दरगुजर किया अभी जो हमने शुरू में के उसाफ़े हमीदा बयान किए हैं सहाबा की, है, की तरफ़ से भी कुरान करीम में भी आपको अफ दरगुजर करने वाला करार दिया है तो फाफ इस तरह के जो अल्फाज हैं कुरने क्री में आते हैं इन लोगों से सरफ़ नज़र कर और अफफ़ कर वारिज़ान हम और इनसे पहलू तही कर ऐसे लोग जो बदजुबान होते हैं उनको कुछ ना कह छोड़ दें उनको तो रसूल सल वसलम की शान रहमत ऐसी है कि ख़ुद भी माफ़ किया और किसी को ऐसी सख्ती करने की इजाज़त नहीं दी मना कर दिया तो ये रवायत रावियों के हिसाब से भी अपने मतलब के लिहाज से भी अपनी अरबी तरकीब के लिहाज से भी वो माने इसके बनते ही नहीं हैं तो ये जाली रिवायत है जो बाद में बयान गई और हैरत की बात यह है कि ये जो मनसबा नबीन फ़क्तलूह और जिसका जिसका नारा बनाया गया है ये अशफफा तारीफ़ हकूक मुस्तफ़ा ये जो काज़ी एयाज की किताब है उससे ली गई है लेकिन जो सबसे पहले ज़ाहिर हुई अलमौजुर में इमाम तिबरानी की किताब जो है उसमें जब यह जाहिर हुई है चौथी चो, सदी में तो उसमें ये अल्फ़ाज नहीं है बल्कि उसमें है मन सब्बा कोतेला कि जिसने किसी नबी को गाली दी गई वो क़त्ल हो गया और मन सब्बा साबी जोलेदा जिसने साबी को मेरे साबी को गाली दी उसको गोया मार पड़ गई तो इस अबारत को देखें इसका मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी नबी को गाली देता है लाजमन वो महरूम और नाकाम हो जाता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में धत्कार दिया जाता है क्योंकि कतल, कतल के माने अरबी में महरूम कर देना किसी से रोक देना किसी चीज़ से उसको मना कर देना उसका रास्ता बंद कर देना ये सारे माने उसमें आते हैं तो का ताल माना योफक उन कुरान करीम की भी आया था अल्लाह ने उनको कत्ल कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताली ने उनको हलाक कर दिया नहीं बल्कि उन पर लानत भेजी उनको रोक दिया उनको उनके मकसद में कामयाब ना होने दिया इसी तरह जब खिलाफत का इंतवाब का वक्त था हज़रत अबू बकर अबूबकर रज़िया लानो अनसार के उस छप्पर के नीचे थे सकीफ़ा बनी सायदा जिसे कहते हैं तो वहाँ हज़रत साद के बारे में अंसार का ख़्याल था कि उनको खलीफा बनाया जाए तो उन्हीं को वोट देने के लिए और उनकी हमायत करने के लिए सारे कमर बस्ता थे मगर हज़रत अबू उमर रजील ने जब उनसे उनको वजाहत बताई और उनसे ख़ताब किया तो उसके बाद उन्होंने हज़रत अबू बकर रजील की बात की तो हज़रतमर रजीलों ने वहाँ ये लफज इस्तेमाल किया कतल तुम साधन के तुमने साध को क़त्ल कर दिया हालाँकि उन्होंने कत्ल नहीं किया यानी जिसमानी लिहाज से उन कि शारा उनकी गर्दन नहीं मारी सरतन से जुदा नहीं किया बल्कि ये था कि वो नाकाम कर दिया तुमने जो एक बात बनाए बनाई जा रही थी उसमें वो नाकाम हो गए हैं उनका रास्ता रोक दिया है तो ये कत्ल के माने हैं कि उसको बंद कर दो उसको इससे मना करो उसको रोक दो ये हमें नज़र आता है बाज़ मकाम पर कैसा जो करते थे तो उनको रोक दिया जाता था और वो रुक जाते थे इकदाम ऐसे किए जाते थे मगर ये कि किसी को कत्ल किया गया एक भी ऐसी बात नहीं है जितनी रवायात हैं वो गलत हैं और या उनके माने गलत किए गए हैं या उनके मतलब गलत किए गए हैं या मंज़र उनका गलत पेश किया गया तो ये रवायत अपनी हर सम से ये काबिल रद्द रवायत है इसमें कोई सच्चाई नहीं है ज़ाकमल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में हर इतवार की शब रात छः से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है जिसमें हम आपके साथ बरह रास्त गुफ्तु करते हैं आपके सवाल के जवाब देते हैं और इसी तरह ये प्रोग्राम हर हफ्ते की शब भी पेश किया जाता है हफ्ते को ये प्रोग्राम सिर्फ एक घंटे के लिए होता है शाम छः बजे से आठ बजे तक सॉरी आठ बजे से नौ बजे तक जिसमें हम इमाम जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहेब ख़लीफ़तलमसीदुल्ल तसरी लज़ीज़ का ताज़ा तरीन खुतपा जुमा पेश करते हैं आ, उन सामीन को मैं दावत देता हूँ जो इस्लाम का दर्द रखते हैं या चाहते हैं कि इस्लाम इस वक्त जिस मुश्किल में है उसका क्या मुमकिना हल है तो जमात अहमदिया का जो नुकतः नज़र है वो आपको हर हफ्ते इस खुतबे किस शक्ल में मिलता है जो माम जम, इमाम जमात अहमदिया पेश करते हैं तो उसके लिए नोट कीजिए कि फ्रीक्वेंसी यही है हमारी सिर्फ वक्त और दिन का फ़र्क है और वो हफ्ते की शब आता है हर हफ्ते को आप रात आठ बजे से नौ बजे के दरमियान वो ख़ुबा जुम्मा सुन सकते हैं बराह रास्त तो नहीं होता क्योंकि जुमे हफ़्ते का दिन होता है लेकिन जो ताज़ा तरीन ख़ुतब होता है वो हम पेश करते हैं यहाँ मैं अपने उन साम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर सुनते हैं आपके महबत बुरे पैगाम आपके मशरा जात हमारी कमज़ोरीों की निशानदेही हमारे लिए बा हमारे लिए बा हौसला होती है जो आपके जहन में सवाल हो या आप समझते हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम बेहतर हो सकता है तो हमें ज़रूर आप हमारे ई के पते पर भेज सकते हैं क्यू यानी क्वेश्चन आंसर एट इस्लाम डॉट सी ए क्यू एनि क्वेश्चन आंसर एट वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए इसी तरह ये प्रोग्राम एक ही बरह रास्त पेश किया जा रहा है टोरंटो और मॉन्ट्रियल की मार्केट में इलाके में मॉन्ट्रियल में अगर आप ये सुनना चाहें तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी है 16:10 टेन एम और टोरटो की है 13:50 फिफ्टी एम मॉन्ट्रियाल में 1610 सौ एम पे और ट्रोरटो में 1350 सौ पचास एम पे ये पेश किया जाता है अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ इस प्रोग्राम की नशरियात बरह रास्त आप तक नहीं पहुँचती या आप अपने किसी अजीज किसी प्यारे को ये प्रोग्राम सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी सुन सकते हैं उसके लिए हमारा पता नोट कीजिए वॉइस ऑफ इस्लाम एक ही लफ्स है वॉइस ऑफ इस्लाम डॉट सी ए जहाँ आप ना सिर्फ ये प्रोग्राम बर रास्त बल्कि का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं इसी तरह टेलीफोन पर ही अगर आप सुनना चाहें तो उसके लिए हमारे नंबर नोट करें टोरटो के इलाके में हमारा नंबर है सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो सिक्स फोर सेवन फाइव सिक्स फोर वन थ्री फाइव जीरो और मॉन्ट्रियल में फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन जीरो फाइव वन फोर सिक्स जीरो नाइन वन सिक्स वन ज़ीरो गुफ्तु का सिलसिला जारी मोहतरम हादी अली चौधरी साहब के साथ जी हादी साहब जी मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो रसूल अलैहि वसम की पाक सीरत का आपके बुलंद मकाम का जिक्र फरमाया इसी तरह अम्बिया सबका ने जो आपके औसाफ़ हमीदा का जिक्र फ़रमाया फिर हज़र मसीह मौदातलम ने जो आपकी बुरान शान बयान की और साहबा ने आपके बारे में तफसली ज़िक्र फरमाए वो सारे आपकी खिदमत में पेश किए अब हम देखते हैं कि गैर मुसलम अब नेज़र सल्ला वसम के पाक उसवे, पाक सीरत के बारे में क्या कुछ बयान फ़रमाया आपके शुमायल में उन्होंने क्या कुछ लिखा है चनाचे आज़र सल वसलम की सरत वे के बयान में बहुत से गैर मुसलम अब ने भी कलम उठाया है और अंग्रेज़ी और फारसीसी के अलावा भी मुख्तलिफ़ यूरोपी ज़ुबानों में आपके बारे में कसरत से किताबें लिखी गई हैं उनमें से एक तबका तो वो है जिसने तहकीक की बजाय सिर्फ़ बाद ज़ुबानी और जावागोई इख्तीार की उनके नामों से इस किताब को पाक रखना ही बेहतर है बहरहाल फिर मुसनफ़िन में से एक वो तबका है जिसने आज़रत सल्ला वसम की किरदारकी की खातर कलम उठाया और सिर्फ़ अपने मुतबाना जज्बात की तस्किन की है उन्होंने सरासर नासाफ़ी से ही नहीं सरी ज़ुल्म से भी काम लिया है उन्होंने या तो सच्ची रवायात से वाज तौर पर झूठे मतलब बखस किए हैं या फिर कुलता झूठी रवायात पर बिना करते हुए खालसता अपनी मुफ्तरा तहरीरें छोड़ी हैं उनमें से पादरी फंडर पारी मादुद्दीन और मारगोलीत वगैरह के नाम सर फहरिस्त हैं उनमें से दूसरी किस्म के मुसनफिन ऐसे हैं जिन्होंने तहकीक का एक हद तक हक तो अदा किया मगर उनकी तहकीक का मकसद भी चूँकि मनफी था इसलिए उन्होंने बावजूद हक से आशना होते हुए सच्चाइयों पर पर्दे डालकर अपनी तहकीक पेश की है मगर यह भी हकीकत है कि इसके बावजूद उनके कलमों से जगह जगह सच्चाई फूटे बगैर नहीं रह सकी ऐसे मुसनफ़िन में से सर विलियम योर और मिनटगुमरी वाट वगैरह के नाम शुमार किए जा सकते हैं चौथे वो मुसनफ़ मजाज मुनसिफ़ मजाज मुसनफ़ हैं जिन्होंने गैर जानबदाराना तहकीकी और सच्चाई को अल एलान बयान किया और हज़र सल्हुस की हकीकी सीरत के पहलुओं को उजागर किया उनमें से मशहूर मुस्श्रक थस कार्लाइल वगैरह हैं थॉमस कार्लाइल है। ने हज़र सल वम के बारे में तो अक्सर बहुत सच्चा तजिया पेश किया है मगर कुरान करीम के कलाम लाही होने के बारे में उनके शुभात दूर ना हो सके बहरहाल वो अपने मशहूर आलम लेक्चरों हीरोज एंड हीरोज वर्शिप में एक लेक्चर हीरो पैगंबर की शान में हीरो एज ए प्रॉफिट ये नाम है उनके लेक्चर का मैं आज रसल वसल्लम की सीरत स्वानत का हकीकत पसंदाना और सच्चा तजिया पेश करते हुए बयान करते हैं इब्तदाई उम्र से आप में गौर व फ़िक्र की आदत थी यानि रसूल सल वसम को इब्तदायमर में ही गौरव फिक्र की आदत थी आप अपने हल्का अहबाब में अलमीन के लकब से याद किए जाते थे क्योंकि हकीकत शार और वफादार थे आपका हर फ़ेल हर कॉल और हर ख्याल सदाकत और दयानत पर मबनी होता था लोगों ने महसूस किया कि आपका हर कॉल पुरमानी होता है आप कम सुखन थे और बेज़रूरत बात नहीं करते थे लेकिन जब कभी बात करते तो आपकी गुफ्तु मदबराना हकीमाना और मुखलसाना होती और आप हमेशा नफसे मतलब पर रोशनी डालते इसी किस्म का कलाम गुफ्तु के काबिल होता है हम देखते हैं कि लोगों ने आपको सारी उम्र नहाय मतीन मोहब्बत करने वाला और रास्तबाज़ पाया आप फितरीती आप फितरी संजीदगी और अखलास के साथ मुतवाज़ मिलनसार दोस्ती के काबिल और खुश इंसान थे और एक दिलफरेब तबसम तो आपके चेहरों पर रहता था आप साहब जमाल थे आपके हसीन चेहरे से जकावत और दयानत टपकती थी आपका रंग गंदमी और आपकी आंखें चमकती हुई स्याह थीं मुझे तो आपकी वो रगे जबीं भी प्यारी मालूम होती है जो गुस्से के वक्त फूल कर हो जाती थी यह बनो हाशम की एक निशानी थी जो आपकी पेशानी पर नुमाया हो जाती थी आप उल आज़म होने के साथ मनस मजाज और सदाकत शार भी थे हजरत खदीजा रजी से शादी और उसने माशरत और आपके किरदार की अजमत का जिक्र करते हुए बयान करते हैं कार्ल थॉमस कि उस वक्त आपकी उम्र पच्चीस साल की थी और हजरत खदीजा अगर चालीस साल की हो चुकी थी आप हमेशा उन्हें सच्चे दिल से चाहते रहे और उनके सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं की ये अम्र के आपने जोश के ख़त्म होने तक बिल्कुल मामूली तरीक़े पर और नहाय सादगी और खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी के दिल दिन गुजारे बजाय खुद हमारे इस ख्याल की तकजीब करता है कि आपकी नीयत में किसी किस्म का मकर था आपकी ज़िंदगी के तमाम खिलाफ आदत वाक़ असली और मफरूज़ा हजरत खदीजा की वफात के बाद यानी पचासवें साल से शुरू हुए उस वक़्त तक आपकी सारी हवस पाक ज़िंदगी बसर करने के लिए थी और आपकी शोहरत यानी हमसायों का ख़्याल नेक आपके लिए बिल्कुल काफ़ी था जब बुढ़ापा आ पहुँचा सारी गर्मी शबाब ख़त्म हो गई और इस दुनिया में सिर्फ इतमान आफ़ियत ही एक चीज़ बाकी रही तो उस वक्त आपको हवस परस्ती की सूझी और आपने सारे गुजशत व फ़ज़ायल पर पानी पैर कर एक ऐसे फिर कर एक ऐसी शेय के लिए मकरव रेब इख्तियार जिससे आप किसी तरह ना हो सकते थे अपनी हद हाँ तक तो मैं इस क्यास को कभी तस्लीम नहीं कर सकता यानी उन्होंने सारे मनफी ख़्याल जो लोग पेश करते हैं उनका जिक्र करके कहते हैं मैं इनको कभी तस्लीम नहीं कर सकता नहीं नहीं उस पाक तीनत और साफ बातन इंसान में जज्बा हवसप्रस्ती और शोहरत तलबी नहीं बल्कि कुछ और ही ख्याल मौज़न थे ये इस किस्म की बुजुर्गोबर तान पाक जान पाक थी जिसे सदाकत के बगैर जिसे सदाकत के बग़ैर गुज़र ही नहीं थी जिसके खमीर में ख़ुद फितरत अखलास को जगह देती है जिस वक्त और लोग वहां में मुब्तला थे और उसी पर अड़े रहने के लिए जंगो जदल कर रहे थे उस शख़्स की अक़ल पर वहम गमान का पर्दा ना पड़ सका वो अपनी रूह और के अशिया के साथ सबसे अलग था उसकी निगाहों के सामने राज़ हस्ती अपने बेमो रजा अपने बीमो रजा के साथ रोज़ रोशन की तरह यहाँ था जिसके वजूद को किसी किस्म का वहमो गुमां पशीदा ना कर सका ये सिफ्त जिसे हम ने खलूस के लफज के साथ तबीर किया दर हकीकत सफ़ात एज़दी का एक परतो है और ऐसे इंसान की आवाज़ दरअसल हातफ़ गैब यानी गैब की आवाज़ देने वाले की आवाज़ है जिसे तवज्जो से सुनते हैं और उसे सुनना चाहिए क्योंकि उसके मुकाबले की हर चीज़ हेच है आ हज़र सल्ला वसम पर ख़ुदा ताल का आलमगीर इकतदार हर वक्त अँ था ये एक गैर मुसलम के बयान है उसके अल्फ़ रसोस की सीरत पर जी जक्ला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहरम हादी अली साब तशरी फर्माए हैं हमारे साथ मिर्ज़ा साहेब लाइन पर हैं उनकी कॉल लेते हैं

साहब अल्लाह बहुत शुक्रिया सवाल मोलाना साहब से कि मैंने जो शकल का जो वाक्य है जी सुना है जी क्या ये कश्मीर नजारा था अगर कश्मीर था तो फिर आपके साथ खेलने वाले भले हलीमा के बच्चों को कैसे नजर आया शकी कम शकी कलब के बारे में थोड़ी सी वजात वजह दे दें कैसे हुआ ठीक तो है बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका शक्के क्लब के हवाले से है वो अगर कश्मी नज़ारा था तो जो आपके साथ और बच्चे उन्होंने कैसे देखा जी जाकमल्ला बड़ा अच्छा सवाल है कि रसूल अलैहि वसल्लम की के पाक बचपन का ये वाक़ है कि वो जब हज़रत सलीमा सादिया जो आपकी दाया थीं वो आपको वहाँ अपने कबीला साद में ले गई ये कबीला साद ताइफ़ वाले इलाक़ों में था बन हवाजन के कबाइल सारे वहीं थे और साद भी बन हवाजन के कबीले में से एक था तो इसलिए हलीमा सादिया कहलाती हैं तो ये बच्चों के साथ बाहर थे तो उस वक्त उन्होंने देखा कि एक जैसे फरिश्ता आया है एक थे, थे या दो थे मुझे अब सही तरह याद नहीं रहा बाहर उन्होंने आपका सीना चाक किया है और दिल को धोकर दो दोबारा रख दिया है तो ये एक कैफियत थी जो अलैहि वसल्लम के लिए जाहिर हुई और उन बच्चों ने भी इसको नज़ारा किया और वो डरे और उन्होंने फिर बयान किया जब अपनी वालदा से या इन हज़रतलीमा से तो वो भी इस बच्चे से बहुत खौफजदा हुई हज़र सल वम से कि गोया पर सेब का साया हो गया या जिन भूत है तो चूँकि वो उस वक़्त तो इस्लाम नहीं था और पुराने ख्यालात और ये बुतों के की वजह से वह, वह वहमी लोग थे तो उनको ये ख़्याल गुजरा लेकिन अमला ये एक वाक़ था जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तारीखों ने लिखा है इसकी अथेंटिसिटी के बारे में तो कोई ख़ास ऐसा पहलू हमें नज़र नहीं आता कि इसको हम परख सकें लेकिन बहरहाल ये दर्ज है तो इसको लिया जाता है सीरत की किताबों में से दर्ज किया जाता है इसी तौर पर कि यह ऐसा वाक़ भी रूनमा हुआ तो इसमें ये सवाल कि दूसरे बच्चों ने किस तरह देख लिया तो ये तो आम बात है कि कश्यप के कई पहलू होते हैं जो जिसमें बाज़ात साहब कश्य जो है वो ख़ुद अकेला होता है वही महसूस कर रहा होता है और इर्द गिर्द के लोगों को, को कोई पता नहीं चलता मगर वो सारे मंजर देख रहा होता है गोया वो जागता भी है और अपने इन हवास में नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला के तसरफ में आ जाता है तो लेकिन बहुत सारे कश ऐसे हैं जिसमें दीगर सहाबा भी शामिल होते हैं और इसकी मिसालें बड़े मुस्तनद रवायात में मौजूद हैं अब जिस तरह क़ुरान करीम की आयत है इकतराबात सात वन शक्ल कमर कमर और कल्ब के अल्फाज भी आपस में मुशाबे हैं तो जब चाँद के दो टुकड़े हुए हैं तो इसको यहाँ इंडिया के राजा ने भी, भी देखा है हिंदुस्तान में राजा ने भी इसको देखा है और उसका ज़िक्र तारीख़ों में मौजूद है अजरम मसीम ने भी उसका जिक्र किया है इस आयत की तफसीर में देखें तो बड़ा तफसीली से ज़िक्र मिलता है तो वो कश, उस उस कश्यप में दिगर साहबा ने भी हिस्सा लिया उन्होंने भी देखा तो ये जो कश्यफ में दूसरे लोग शामिल होते हैं इसका ज़िक्र कई जगह पर नज़र आता है अभी सामने हज़रत साहब ने खुतबे में हज़रतुमर रजीनों के जिक्र में भी ये जिक्र फरमाया था कि तल जबल कि इधर मदीने में बैठे हुए शाम के इलाक़ों में जो जनरल था इस्लामी फ़ौजों का हजरत सारिया उनको कहा कि जबल पहाड़ पा, की चट्टान के पीछे छुप जाओ क्योंकि वो तीर तीरों के निशाने पर आ रहे थे दुश्मन के तीरों के निशाने पर तो वो आवाज़ वहाँ उनको पहुँच गई तो आपके इस कशफी हालत को वहाँ भी अल्लाह ने पहुँचाया है तो ये दूसरे अल्लाह ताला शरीक करता है कशफों में इस तरह और भी निशाने हैं हज़र मसीम के ज़माने में भी सुरख के जो चींटे थे उस कश्यप में भी दूसरों को शामिल किया गया और वो बाकायदा जो सुरख छींटे थे वो कपड़े पर भी पड़े और ज़मीन पर भी गिरे तो दूसरे उसमें शामिल हुए और वो यानी ज़ाहरी तौर पर कशवी चीज़ में से निकल कर ज़ाहरी चौ शक्ल में भी नमोदार हो गए तो ये मुख्तलिफ़ कैफियात हैं कशफों की तो इसमें बहुत सारे तजर्बे हैं और भी वसी हैं बड़े बहुत ज़्यादा इसमें वाक़त मौजूद हैं के तस्कतलोलौलिया में भी बहुत सारे वाक़त हैं तकिए के नीचे ख़्वाह में देखते हैं कि जन्नत से उस आदमी ने रुका दिया है तो वो तकिए के नीचे पड़ा है वही रुका तो इस तरह की कई कैफ़ियात हैं जो बयान की जाती हैं तो इसमें भी अल्लाह ताला ने दूसरों को शामिल किया इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जो था इन इलाक़ों में भी कसरत से फैला और ये तो खैर मु तौर पर जिक्र तो नहीं मिलता लेकिन मैं समझता हूँ कि उन बच्चों में से भी बाज़ होंगे जो ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए होंगे जो फतह मक्का के बाद फिर जंग हुनैन के बाद हवाज़न के कबीलों से लड़ी गई उसके बाद फिर ये लोग शामिल हुए होंगे ज़रूर तो बहरहाल इसमें कश्यप में दूसरे लोग भी शामिल किए जाते हैं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जिसमें आज हमारे साथ मोहतरमी अली साफ फरमा है हमारे साथ अमीन साहेब हैं लाइन पे अमीन साहेब असल रहा आप एप पे हैं बात कीजिए जी बिल्कुल ठीक अमीन साहब आपका क्या हाल है काफी हद तक सरत पाक के पाक की आयात पड़ी जा रही हैं बड़ी तारीफे की जा रही हैं और वही नबी वसल्लम कहते हैं मेरे साथ कोई नबी नहीं तो यहाँ आके आप उनकी बात को नहीं माना है। तो ऐसी को या इस तरह के उसका कि क्या फायदा जाए और क्या किया जाए और दूसरा चौधरी साहब ने बताया कि मालिक मोहता मालिक चार सदियों तक वो किताब उसके बाद लिखी गई तो क्या मतलब है कि मालिक की 300 साल ऊपर उन्होंने पढ़ा थी ये मेरे दो तो सवाल है बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब आप फोन करते हैं तो हमें लगता है आज हमारा प्रोग्राम लोग सुन रहे हैं जी दो सवाल इनके ये दूसरा मोहता मामला के बारे में क्या कहते हैं चार सदियों बाद लिखी गई हाँ ये कहते हैं की ये तो पहले लिखी गई थी आपने गलत बता दी है जो मुझे समझ समझना गलत है मैं भी बताता हूँ शुक्रिया मीन साहब आपने ये सीरत के वाक़ सुने और ख़ुशी है कि आप भी हमारे साथ वसल्लम की पर दरूद में शामिल हो गए आपका जिक्र ख़ैर करना भी एक किस्म का दरुद है आप पर सलामती भेजते हैं हम लेकिन आपका ये कहना कि आंसलम ने जब फरमाया कि मेरे साथ कोई और नबी नहीं है या मेरे बाद कोई नबी नहीं है तो हम इससे क्या समझें ये तो हमारा आप पर सवाल है अल्फाज हैं ला नबी आबादी जिस जो आपके जहन में इस तरह सवार है जिसका एक ही रुख है और इसको आप देखते नहीं कि वो रुख ग़लत है क्योंकि आप एक तरफ़ कहते हैं नबी आबादी और आसम के बाद एक नबी को लाते भी हैं जो पहले से है और जो है भी नहीं क़ुरान करीम जिसको वो फात याफ़्ता कर चुका है तो ये हमारा सवाल आप पर है कि आप कहते हैं कि आंसलम के बाद नबी नहीं तो ईसा आपके बाद कैसे आएंगे हज़रत जो फ़ोत हो चुके हैं वो आपके बाद कैसे आएंगे ये हमारा सवाल है आप पर तो ये आप कभी भी साबित नहीं कर सकते कि हजरत अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और आंसरम से पहले आएंगे पहले तो आ चुके एक दफ़ा मगर आपका क़ीदा वापस आएंगे तो ये जो गुंजलक है ये जो चक्कर है ये जो एक फ्रेब है जिसमें एक शराब है जिसमें आप चलते हैं कि आपको पानी नज़र भी आता है और वह है भी नहीं तो हज़रत आपको आंसरम के बाद उतरते नज़र आते हैं मगर है नहीं लेकिन सवाल आप हमसे करते हैं हमें तो बड़ा वाज़ है कि हज़रत ईसा फ़ौत हो चुके हैं एक नबी की आमद के रसोल सल व्लम ने खबर दी है वह इन्ना हूँ नाजिल हाँ हज़र सल्ली व्लम ने देखें बुखारी में ही दो जगह ज़िक्र ईसा का एक वो ईसा हैं जो बनी इसराइल के हैं जो हज़रत मूसा तो सलाम के साथ बताए गए हैं और एक वो हैं जो ख़ाना क़बा का तवाफ़ कर रहे हैं इस हालत में कि द के पीछे हैं गोया दजाल को कत्ल करने के दजाल खाना क़बा के गिरद चक्कर उसको शायद गिराने के लिए मगर ईसा उसके पीछे हैं और दोनों के हुलिए अलग हैं दोनों की शक्लें अलग हैं दोनों का बयान जो है उसके बारे में आसलम ने मुख्तलिफ तफसील दी है तो एक ईसा बनी इसराइल का है और उसका हुलिया बनी इसराइल के लोगों की तरह का बयान किया है और दूसरे का होलिया और है गंदमी रंग का है वो वो हिंदुस्तान के लोगों का दिया गया है तो ये हमारा मसला तो बिल्कुल अलग है कि वो जिसने आना है जिसकी आमद की ख़बर है वो है ईसा का नाम मगर वजूद और है जिस तरह हज़रत इमाम इबन अरबी रमत ने भी वाज़े किया और बहुत सारों ने इमाम इबन अरबी कहते हैं वाजह नज़ूल हो फी तो के ही बेबदन आखिर कि उसका नज़ूल आखिरी ज़माना में वजह ब नज़ूल हो ही आखिर ज़माने बे तालो के ही बे बदन आख आखिरी ज़माने में उसका नज़ूल एक दूसरे बदन में होगा तो वो ईसा तो फोत हो चुका है कुरान करीम की मतद्द आयात तीस आयात उस पर शहादत दे चुकी हैं और मैं बयान भी करता हूँ कभी जवाब नहीं मिला उन आयात का तो ये जो सवाल आपका है ये आपका सवाल अच्छा नहीं लगता हम पे क्योंकि हम तो उसको मानते हैं जो रसूल करीम वसल्लम का उम्मती होकर इन्ना हूँ खलीफाती फ़ी उम्मती और उसको नबी उल्ला करार दिया मुस्लिम फितन बाबो सिफ़त दजालवम माहू में चार दफ़ा उसको नबी उल्ला करार दिया है आने वाले ईसा को नाम ईसा दिया है वजूद दूसरा है हज़रत शाबुद्दीन शोहर वो क्या लिखते हैं वो कहते हैं कालत फ़िरका तन में नजूल ईसा खरूज और राजोलिन युशब हो ईसा फिल फजल व शरफ़ के एक ग्रोह मुसलमानों में ये अकीदा रखता है कि एक शख्स जो हज़रत हज़रतम से मुशाबे होगा उसका नजूल होगा वाजह बो नजूल हो तो एक और शख्स में जो शर्फ और फजल के लिहाज से हजरत ईसा की तरह होगा तो हज़रतम ने जहाँ एक एक जगह बयान किया लानबी आबादी उसमें पहले नबियों को बंद कर दिया है और अपने बाद आने वाले की खबर दूसरी रवायात में दी है अबू बकर अफजल हाजुमा यकून नबी अबू बकर रजी उम्मत के सबसे बेहतर फ़र्ज है सबसे अला फर्द है मगर एक नबी होगा यानी उनका मुकाम सदीकत का है जो आने वाला है उसका मुकाम नबूत है अबू दाऊद की किताबुल मलाइिम की रवायत है व इन्ना नाजिल ये जो ईसा जिसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है उसका पूरा खुलिया बयान किया है ये नाजल होने वाला ईसा है जिसने नाजल होना है तो ये तो आने वाला जो है और वजूद है और वो अल्लाह ताला के फजल से उम्मती होकर आना है उसने फैज़ पा कर आना है हाँ हज़रत अलैहि वसल्लम का बातिन होकर आना है जिस तरह के हज़रत शाह वली मुहदस दिलवी ने फ़रमाया किन्ना बातिन बातिन महमदिन ना, या ना के नाक़सोफ़ी है अनवारो सैदालमरसिन उसमें सैदालमरसिन सम के अनवार होगा मुनक़स होंगे और हज़रत अब इमाम अब्दुलरजाक का शानी रहमत ने यह लिखा था लेना बातिन बातिन मोहम्मदिन उसका बातन मोहम्मद सल्म का बातन होगा तो ये आने वाला वजूद जो है आज़रत सल्लम की सीरत व ख़ूबी लेकर आपके फैज़ से फैज याब होकर आएगा दूसरा नहीं आ सकता इसकी ख़बर भी आलम ने ख़ुद दी है हम उसको मानते हैं और आप इसको रद्द करते हैं आलम की बहुत सारी रवायात को आप रद्द करते हैं आपके फरमुदात को रद्द करते हैं जो मुस्तरद सही अस हैं मरफू मतसिल अदीस हैं आला दर्जे की अदीस आप उनको रद्द करते हैं तो ये है इसलिए जो हम तारीफ़ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसका ये मतलब है हम इस अकीदत के साथ उस मोहब्बत के साथ करते हैं जिसका इरफान हम हमें उस उम्मती नबी ने दिया जिसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह मऊद व महद्य मऊदात वसलाम है ठीक है जी ठीक बाकी दूसरा सवाल आपका था मत इमाम मालिक के बारे में तो अमीन साहब आपने मेरा ख्याल गलती लगी है आपको माजरतम मैज करता हूँ कि मैंने मत इमाम मालिक का जिक्र नहीं किया मत माम मालिक तो आज वम के से ज़माना के थे अनस बिन मालिक जो थे ये येम के खादम थे उनके बेटे जो थे माम मालिक थे तो ये उनकी किताब है और ये बुखारी से भी पहले लिखी गई है और ये गो साय सिता में इसे शामिल नहीं किया गया मगर ये रवायात की आले दर्जे की किताबों में ही शुमार होती है तो इसका तो मैंने जिक्र नहीं किया मैंने मौजुसर मुझ का नाम लिया था ममाम तबरानी की वो चौथी सदी में आई इमाम तबरानी दो सौ साठ हिजरी में गालबन पैदा हुए या बासठ हिजरी थी और इसी तरह तीन सौ साठ हिजरी में फ़ौत हुए तो ये चौथी सदी में ये कि ये किताब बनती है तो उसमें यह रिवायत कहाँ से आई है अल्लाह बेहतर जानता है तो आप इसका सुराग लगा दें कहीं सायसत्ता में या पहली मुस्ंद किताबों में मत मालक में या दार कुतनी में किसी जगह से निकाल कर दिखा दें तो बात और होगी मगर कहीं नहीं है ये सबसे पहले जो दुनिया में ज़ाहिर हुई है मामत बरानी की आई है और उसमें सनत जो है उसमें रावी जो है वो गलत है उस पर मुलाली कारी रहमन जैसे मैंने ज़िक्र किया शरा अशफा ये काज़ी याज़ की जो किताब है ना अशफ़ा बारीफ़ हकूकम सल्ला वसम उसकी शरा लिखी है उसमें उन्होंने इस पर मुख्तफ आइमा के ख़्याल जो उन रावियों के बारे में वो दर्ज किए हैं तो उससे साफ़ उनका झूठा होना उनका रवायतें गलत करना उनके अजीब बातें करना उनके बारे में लोगों की बातें इस किस्म के मनफी बातें यानी तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने वहाँ दर्ज की हैं तो इसलिए ये जो किताब है ये मत ममालिक नहीं मौजम मशीर किताब है और ये रवायत किसी जगह से भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर सकती हज़रत अली रजीला की तरफ ये मंसूब की गई है और हज़रत अली रजीला ने कभी भी इस रवायत पर अमल नहीं किया अपनी सारी जिंदगी में देख लें एक जगह भी ये नजर नहीं आता कि ए, किसी तोहीन करने वाले को गाली देने वाले को कत्ल किया ज़ाक आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम रेडियो जो आपकी खिदमत में हर इतवार रात छह से आठ बजे के दरम्यान पेश किया जाता है हमारे साथ हमीन साहब लाइन पे है उनकी कॉल लेते हैं जी अमीन साहब आपकुम्ला बात कीजिए पूरी दुनिया के कुरान और पूरी दुनिया की आयत में, एक में भी भी सलाम की करनी है ईसा की हाँ मिर्जात के कुरान में आपको मिलेगा उनके मन गणत तर्ज में मिलेगा ठीक है ना वो आपको मिल जाएगा मुझे एक हदीस बताते हैं या एक दुनिया का इंसान बताते हैं कि नाम दूसरे किसी का हो और वजूद क्या अल्लाह ताला तबाज जिसम में पाकिजान नबी की रूह को डाल सकता है वापस मेरा ये सवाल है शुक्रिया अमीन साहब आपका जी साहब जाकल्ला अमीन साहब बड़ा दावेदार और टका के सवाल करते हैं जिस तरह सच्चाई के अला मनार पर हों लेकिन पताल में जागिरते हैं पता नहीं क्या बात है आ, अमीन साहब ये मिर्जाइयों का कुरान किसी से मुख्तलफ़ नहीं है वही कुरान है जो मोहम्मद रसूल अल्लाह वसल्लम का है, है। इससे कोई मुख्तलिफ अगर है तो वो आपका होगा मिर्जाइयों का कुरान वही है नंबर एक नंबर दो आप कहते हैं कि इसके अलावा दुनिया में किसी का कुरान नहीं अभी आप जाकर मिस्र मेरे साथ चलें या इस इधर से उतार लें आप अपनी ए, क्या कहते हैं कंप्यूटर से उन तफसरों को उस्ताद महमूद शलतूत मिस्र के मुफ्ती अहमद अलजूज उस्ताद मरागी और पता नहीं कितने हैं अलामा रशीद रजा कहरा यूनिवर्सिटी के चांसलर वाइस चांसलर और इसी तरह दीगर उनकी तफसीर अलमनार है उनमें जाके देखें मुतवफ़ी का क्या माना उस्ताद अहमदा अशलबी अभी तक अभी तकरीबन उनको बीस पच्चीस साल हुए हैं फोत हुए वो इनके आ, क्या कहते हैं ये जो हती है मुजन मज़ाहब के उसद थे काहरा यूनिवर्सिटी के उस्ताद अहमद अशलबी उनकी किताब है मकारदियान उसमें सौ सफ़ा उन्होंने हज़रती ईसा पर लिखा है और आपकी वफात पर उन्होंने सारे वो वौदलाइल दिए हैं जो हजरत मसीह मौत असलातम ने मुहैया किए जो मुफ्ती के दीगर, दीगर मुफ्तियान ने दिए हैं मिस्र के दीगर मुफ्तियान ने वो सारे उसमें दर्ज हैं वही लगत वही अदीस वही रवायात जो यहाँ पे हमारे कुरानों में जो तर्जमे किए जाते हैं वो उधर तर्जमे हैं आप किस तर्जमे की बात करते हैं अरबों में तो बहुत आम इसको तर्जमों में बयान किया गया है वफात का हमारे पास वो लिस्ट मौजूद हैं मुख्तलिफ तस्वीरों में इसका जिक्र आता है तो ये जो आप दावा करते हैं ये आपका दावा गलत है बहुत सारे लोगों ने इसको जिक्र किया है कि हज़रत ईसा फौत हो चुके और वही माने किए हैं जो हम करते हैं हजरत मसीम महद्ल असलातम ने तो इस पर चैलेंज दिया है वो चैलेंज तोड़ दे हम बाज आ जाएंगे वो टूट ही नहीं सकता क्योंकि वही लफ्ज़ अहादीस में हजारों दफा इस्तेमाल हुआ है तवफी का और उसके माने मौत के कब्जे रूह के तो तवफी ब मौत कब्जे रू कब्जे रू ब माना मौत ये हर जगह किया गया है हाँ हज़रत वसल्लम के लिए तीन दफा कुरान करीम में यह लफ्ज आया है इमान नूरेन्ना का बाजल लजियवफन्ना का और वहां माने मौत है हजरत ईसा के लिए जिंदगी कैसे हो गई और हम आपको यही दावत देते हैं कि आप हजरत को जिंदा समझ लें इस लफज की वजह से हम हजरत ईसा इस को समझ लेंगे को एक ही लफज में वफात याफ्ता तस्लीम करते हैं और हजरत ईसा को जिंदा तस्लीम करते हैं ये कहाँ का इंसाफ है ये इंसाफ अरबों ने नहीं किया जो आप करते हैं इस इंसाफ को झूठ कहते हैं सच वो है जो अरबों ने किया और जमात अहमदिया करती है और जमत अहमदिया ने हज़र मसैलम ने इसको सब किया है हज़र वसी महिला की किताबें हैं रूहानी खजाइन पूरा सेट है उसकी तीसरी जल्द में अज़ाला हाम एक किताब है उसमें तीस आयात हजरत मिसा ने दर्ज किया है नंबर डालकर उनका मुताल कर लें और आ जाएँ फिर बताएँ कि आप किस तरह इस चैलेंज को तोड़ते हैं कि अल्लाह ताली फ़ायल हो मफूल जी रूह हो बब तफाउल हो और रात का करीना ना हो सवाए मौत तवी के माने कब्ज रूब माना मौत के अलावा होते ही नहीं ये किताबुलजनायज अदीस में रिवायतों में है बुखारी में देख लें मुसलमे में देख लें इबन किसी साय सिता में या किसी किताब में, में किताब उजनायज देख ले तवी के लफज के माने मौत ही है लेकिन अजीब बात है कि हजरतीसा के लिए वह जिंदगी के माने हो जाते हैं यह कहाँ कहाँ असूल है एक ही तराजू में दो तोल तो नहीं होते एक ही होता है और वो भी अपने प्यारे आका के लिए किसी को गैरत नहीं आते कि उनको मुर्दा तस्लीम करते हैं हम ये कहते हैं कि किसलम को जिंदा तस्लीम कर लो और हकीकत यही है कि जिंदगी देने वाला और जिंदा नबी मोहम्मद रसूल है आप एक मुर्दा की तलाश में फिरते हैं सरगर्दा हैं तीन नस्लें क्या पांच नस्लें गुजर चुकी हैं फरमाया था कि औलाद मरेगी और उनकी औलाद मरेगी और उनकी औलाद मरेगी मगर ईसा को आसमान से आता हुआ नहीं देखेंगे किस शान से ये पेशगी पूरी होती है नहीं देख सके आप सवा सौ साल हो गया इस पर अठारह सो इक्यानवे में यह किताब लिखी गई आज उसको एक सौ बत्तीस साल हो गए हैं हजरत ईसा तो नहीं आए चौदहवीं सदी भी खत्म हो गई पंद्रहवीं भी अब गुजर रही है आधी के करीब गुजर भी चुकी है तो किसका इंतजार करते हैं एक लफज की वजह से मार खाई जाते हैं और खाई जाते हैं और खाई जाते हैं लेकिन आलम को जिंदा नहीं समझना हमें जिंदगी मिली है खुदा ताला के फजलो करम से मोहम्मद रसूल की जिंदगी से आपके अंदर वो कुवत यह याद है कि आज भी आप मुर्दा को जिंदा कर देते हैं रूहानी लिहाज से आप वो रूप फूंक देते हैं अगर आपकी पैरवी की जाए मगर आप ईसा की तलाश में सरगर्दा हैं और रहें अगली भी तीन नस्लें मरेंगी उसको उतर, उतरता हुआ नहीं देखेंगी इन और ना आएगा क्योंकि वो फात याफ्ता है और आपने ये जो बात की है कि मर्जयों के कुरान में सिर्फ है ये बात गलत है मैं आपको सारी फोटो कापी भेज सकता हूँ जितने लोगों ने तोी के माने मौत के किए हैं फिर दूसरा आपने ये जिक्र किया है कि कोई हदीस बता दें जिसमें एक शख्स का नाम दूसरे को दिया गया ये तो आम बात है ज़्यादा मसाले क्या देनी हैं ये बुखारी में शुरू में ही जो पहला बाब है उसी में ही वो अबू सुफियान का वहाँ जाकर हिरकल के पास जो बातचीत करना है उसमें ही ये बात करता है लकद आमेरा अम रुबनो अभी कबशाता जखाफा हो बनी क्या कहते हैं मल को बनी असफर कि इबन अभी कबशा का मामला इतना बढ़ गया है कि रोमन अम्पायर का बादशाह भी उससे डरता है अब यहाँ इबन कबशा, इबन अभी कब्शा कौन था उसने वसल्लम को नाम दिया है दूसरे शख्स का और लिटरेचर में आम है जब तस्वीर दी जाती है दूसरा नाम दिया जाता है तो आप कहाँ ये फिरते हैं मैंने अभी जो हवाला पढ़ा था पहले कि कालत फ़िरका तुल में नज़ूल ईसा खरूज व राजा लिन युशब वीसाफिलफजल व शरफ़ कमा युकाल राजैर मालाकन जिस तरह एक अच्छे आदमी को नेक आदमी को फरिश्ता कहा जाता है और शरीर को शैतान कहा जाता है इसी तरह नाम दिया गया है एक दूसरे शख्स को ईसा का ये हज़रत शहाबुुद्दीन सोहरवर्दी जिनका बहुत बुलंद मुकाम है तसवु में उनकी किताब है खरीदा अजायब व फरीदतुल रग़ायब उसमें उन्होंने ये लिखा है तो ये जो है कि दूसरे का नाम देना ये आम मुहावरा है माँ अपने बच्चे को चांद नहीं कहती तो इस तरह नाम दिए जाते हैं अबू सुफियान ने यह हदीस में बुखारी में ये है तो आप कहते हैं एक एक भी बता दें मैंने एक बता दिया उसके आगे बढ़ेंगे और भी बता देंगे आपको मगर ये है कि सच्चाई को कबूल करें आपके पास सच्चाई नहीं है एतराज़ हैं और ऐसे सवाल हैं जिनकी बुनियाद गलत बात गलत है उसके अंदर कोई जान नहीं जकुमुल्ल सामिन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो अहमदिया जो आपकी खिदमत में हर एतवार की शब्द रात छः से आठ बजे के दरमियान पेश किया जाता है हमारे आज के प्रोग्राम के आखिरी मेहमान अमीन साहब हैं उनकी कॉल लेते हैं और इसके बाद वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और सवाल हम नहीं लेंगे जी अमीन साहब असल आप एर पे बात कीजिए बहुत शुक्रिया मुकरम नबी साहब मेरा चौधरी साहब से सवाल ये है कि जो तीन नफ्ले ख़त्म होने का दावा करके गए अल्लाह के अल्लाह ने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा के का की सटीक महीना या तारीख बताई शरीब पे इशारा किया किब क्यामत में लाजि ये मुझे बिल्कुल मुझे यकीन तीन नफरे जो आप कह रहे हैं ना एक सौ बीस साल में खत्म हो गई मुझे कोई ऐसी कुरान की आयत और वो हदीस बता दे जिसमें दिन दिन और फजर की नमाज हफ्ते तो में एक दफा आता है और फजर की नमाज रोज होती है यह इशारा दिया गया बाकी महीना सदी और तारीख बता दे और जो सवाल आपने अपनी तरफ से बता दिया ना इसमें कपशिया वाला न, वो सवाल ही नहीं किया था है। मेरा तो है। जी ठीक है बहुत शुक्रिया आपका अमीन सर जी हाजी क्या सवाल था तो खत्म होने का दावा किया तो क्या ने या कुरान की किसी आयत से मसीह के आने का वादा किया गया सदी या साल या दिन के हवाले से ये मैं जो समझ पाया उनका और एक का क्या था वो भी था एक सौ बीस नहीं मैं अच्छा अच्छा चलें इतना ही टाइम भी थोड़ा ही है जी <laughs> अमीन साहब ये आप वक्त का दिन का और हफ्तों का पूछते हैं महीनों का पूछते हैं या बहर जो भी वक्त पूछते हैं वक्त इस तरह नहीं बताया जाता कभी बताया भी जाता है कभी नहीं बताया जाता हाँ हज़रत सल्लम ने बताया है और कुरान करीम ने भी बताया है कुरान करीम ये कहता है जो दबरमर मिनसमायलर सुमा यारो जो अलैफ़ी योमिन काना मक़दार हो अल्फा सनाते कि अल्लाह ताला अपना अमर आसमान से ज़मीन पर नाजल करता है एक दिन में जिसका अंदाज़ा जिसकी मुद्दत एक हज़ार साल है तो ख़ुदा का जो अमर है उसका हुक्म जो है वो नाजल होता है एक हज़ार साल बाद एक हज़ार के साल में सुमा यारो जो है उसकी तरफ़ वापस चला जाता है और बैन ही यही रसूल सल्ला वसम ने बयान फरमाया है कि तीन सदियाँ बेहतरीन सदियाँ हैं उसके बाद ये जवाल पजीर होगा इस्लाम वो तफसीलीदी में मौजूद है कि बादशाह आएंगे सख्त होगा और फैजियाबा जाएगा गुमराही का ज़माना आएगा फिर तो फिर एक हज़ार साल बाद अल्लाह का ये उम्र आसमान पर उठाया जाएगा ये तेरह सौ साल बन जाते हैं इस तरह ये हिसाब भी बन जाता है अगर आप जैसे लोग जो वक्त पूछते हैं उनके लिए ये नुस्खा मौजूद है फिर वम ने लाया तो बादल मे्यात और इस पर मुफसरीन हदीस ने, ने यह लिखा है गालबन मिला अली कारी रहमत लिखा है अल, अलफ लाम जो अलमिया तैन में है ये बादल अलफ है यानी एक हज़ार साल के बाद दो सौ साल गुजरने पर यह निशान ज़ाहिर होंगे तो ये हज़र सल के बाद बारह बारह सौ साल तो यह तेरहवीं सदी के आखिर में हज़र मसी मौदा सालाम का नज़ूल है नज़ुल ईसी का ज़माना ये बनता है ये तो लफ्ज़ों की बात हो गई मुद्दत की बात हो गई लेकिन जो ज़माना है रसूल सल्लम ने बताया है वो बड़ा वाज़ है उसमें जितनी निशानी है वज़ल सोफ़ नौशरात वाइज़ल वहूश व होशिरत बिहार सज्जर सूरत तकवीर में देखें वज़ल इशार वत मुख्तलफ़ जो हैं निशानियाँ बताई हैं वो सारी निशानियाँ इस ज़माने में जाहिर हुई हैं ये वो वक्त है जो कुर्ब क्यामत का वक्त है और क्यामत का मतलब होता है घड़ी एक ऐसी घड़ी जो अहम घड़ी होती है जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी एक साथ आई थी इकतराबात सात तो अनशक्कल करो और चांद दो टुकड़े हुआ और सल्तनत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गई एक वो घड़ी थी एक घड़ी जो है ये है कुर्बे के आमद की जिसमें यह सूरत तकवीर में सारी निशानियाँ हैं ये किस ज़माने में पूरी हुई हैं सहीफे इस वक्त फैले हैं और ये सारी जो मवालात का सिलसिला है और फिर यह कि ऊंटियों को तरक कर दिया गया ट्रेन आ गई बसें आ गई जहाज़ आ गए और मुख्त जितनी निशानियाँ हैं नहरें बनाई गई हैं समुंदर दरिया फाड़े गए हैं और इस किस्म की सारी निशानियाँ मौजूद हैं वो सारा इसी ज़माने में हुआ है तो यही वो जमाना है जिसमें उसने नाजल होना तो चौदहवीं सदी का आप हमसे पूछते हैं आप क्यों लामा ने यह कहा है मैं उस वक्त मौजूद था अपनी जवानी के जमाने में जब ये कहते थे अब चौदहवीं सदी का आखिरी दिन है और सूरज गुरूप नहीं होगा और मगरब के वक्त हो गया सारों को अल्लाह ताला ने उधर झूठा जुलूस भी निकाले उन्होंने कि जी चौदवी सदी खत्म हो रही है, अभी आएगा ये आप देखें जाके उस तारीख को अखबारें पढ़ लें हैं उस जमाने की वो जो चौदहवीं सदी का आखिरी दिन था उसके इर्द गिर्द के आप अखबार पढ़ें क्या कुछ होता रहा है। अजीब एक ना तमाशा बनाया हुआ था कि खुदा ने ये इतना लंबा कर देना फिर मैदी आएंगे और बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले वो मसंद बिछा कर गाड़ियों पर और बैलों गाड़ियों पर पता नहीं किस पर वो तो ये इस तरह का वो माहौल था इस तरह नहीं आया करते करतेमूमी निशानियाँ बताया बताई जाती हैं और उसमें वो आता है खुदा का आने वाला आता है वो आया और अल्लाह ताला के फजल से ईमान उनको नसीब होता है जो ईमान वाले होते हैं तस्लीम करने वाले होते हैं इसलिए हम आपको दावत देते हैं आप भी इन पर दुआ करके तोज्जो करें तो अल्लाह ताली हदाय देगा वामबा हदा इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाजत दें महादी साहब का शुक्रिया अनिस साहब कंट्रोल्स में उनका शुक्रिया और सबसे ज़्यादा सामिन आपका शुक्रिया आपने प्रोग्राम सुना और हमें वक्त दिया इनशाला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए मुकरम नज़ीर और साथियों को इजाज़त दीजिए असल वरहल वर्कू